आज के इस वीडियो में हम जो भी महाद्वीप है एशिया से लेकर अंटार्कटिका तक जो भी है पूरा इसमें मैप के साथ पूरे अच्छे से कवर किए हैं अन्य जानकारी जो भी है मतलब थोड़ा वीडियो लंबा होगा पर सातों कॉन्टिनेंट सब कुछ इसमें कंप्लीट किया गया है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी बुक का अगर आपको पूरा बुक पढ़ना है तो आपके लिए चैनल यूट्यूब पर सबसे बेस्ट चैनल है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पर नहीं आया है तो और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी पढ़ाई पूरी तरीके से कर पाए तो यहाँ आप कॉन्टिनेंट देखिए विश्व का भूगोल देखिए साथ ही अगर कहीं कोई आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अगर देना चाहते हैं दे दीजिएगा और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ आपको मेरे से बात भी हो पाएगी और साथ ही वहाँ मैं कंटेंट भी शेयर करता हूँ जो भी महादेश है उसको कंप्लीट करेंगे फिर जो भी कंट्री इंपॉर्टेंट है उसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर आपका स्टेट तो धीरे धीरे होता ही चला जाएगा तो अभी हम एशिया के बारे में पूरा जानेंगे अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मोर एजुकेशन रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा इससे पहले मैंने लूसेंट का बुक पूरा कम्प्लीट किया ऑब्जेक्टिव एस महेश कुमार बंडवाल कई सारे बुक मैंने कंप्लीट किया है तो उसको आप देख सकते हो मैथ के लिए अध्ययन केंद्र मैथ चैनल ज्वाइन करो वहाँ पर आपको सगीर अहमद का मैथ अभी चल रहा है तो चलो अब स्टार्ट करते हैं पहला हमारा यह महाद्वीप क्या होता है उसको जान लेते हैं तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ी इकाई भूभाग का है उसे ही हम क्या कहते हैं महाद्वीप कहते हैं नाम से ही क्लियर है द्वीप किसे कहते हो द्वीप किसे कहते हैं पूरा चारों साइड पानी और छोटा सा आइलैंड को हम क्या कहते हैं द्वीप कहते हैं और यही अगर बहुत बड़ा हो जाए महा हो जाए महा महामीन्स क्या लगाते हैं हम जैसे कोई ताकतवर है और बोलते हैं महा ताकतवर है महावली है तो क्या बोलते है बहुत ताकतवर है तो महाद्वीप मतलब क्या हो गया बहुत बड़ा बड़ा द्वीप अगर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे महाद्वीप कहेंगे तो महाद्वीप टोटल हमारे यहाँ कितना है सात है पृथ्वी पर टोटल महाद्वीप कितना है सात है अभी न्यूज़ में एक आठवां महाद्वीप भी आ गया जी एल एंडिया तो इसके बारे में भी आप याद रखोगे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आठवां महाद्वीप कौन सा है तो जी लैंडिया इसको हम बाद में पढ़ेंगे ठीक ना अभी कौन कौन से सात महाद्वीप हैं तो एशिया यूरोप उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिक यहाँ पे आप देख रहे हो येलो कलर जैसा ये है आपका एशिया बगल में यूरोप फिर है अफ्रीका साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और नीचे क्या है अंटार्कटिका और इसके आसपास ये जो है इसके आसपास आठवां हमारा आया है जीलैंडिया ठीक ना तो इसको हम बाद में कवर करेंगे बस लेकिन नाम आप इसका भी याद रखो जीलैंडिया यहाँ पे एट पॉइंट देख के लिख दो तो, जयलैंडिया ठीक ना ये नाम भी याद रखो अब इस मैप में आपको हाईलाइट किया गया है कि ये आपका यहाँ पे यूरोप है ये अफ्रीका है और ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा होगा ये क्या है एशिया का पार्ट है इसके कुछ कंट्री हैं वो आप देख लो एशिया के कंट्री कौन कौन से आएंगे तो जो यूरोप के साइड में है मींस इस साइड में है उसका पहले हम जिक्र कर लेते हैं क्योंकि इस साइड तो क्लियर है जहाँ तक प्रशांत महासागर पेसिफिक ऑस्चियन आता है और इधर ऑस्ट्रेलिया तक ये क्या होता है एशिया में आ जाता है जो यूरोप के साइड में है उसको पहले आप ध्यान से देखो तो इधर जो है यमन इधर सऊदी अरेबिया का जो भी गल्फ कंट्री है वो इसके अंतर्गत आ जाता है इधर तुर्की कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान इधर मंगोलिया ऊपर रसिया का भी मीन्स रसिया दो पार्ट में डिवाइड है आगे इसको हम कवर करेंगे एक चीज अभी जान लो कि रसिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है यूराल माउंटेन से जो एशिया के अंतर्गत आता है एशिया के अंतर्गत उसको कहा जाता है साइवेरियन एशिया साइवेरियन एशिया ठीक और इधर वाले को यूरोपियन एशिया या सिम सिंपल एशिया कहा जाता है आगे जहाँ जहाँ मैप का यूज़ होगा वहाँ वहाँ मैप दिखा के आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे और यहाँ पे कुछ वन लाइनर फैक्ट मैंने लिखा है जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा तो उसको ध्यान से देखते चलना एशिया इस शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है यह हिब्रू भाषा से हुआ है हिब्रू भाषा से एशिया शब्द का उत्पत्ति हुआ है आंसू से जिसका अर्थ क्या होता है राइजिंग सन उदित सूर्य उदित सूर्य यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है यह सब आप लोगों को ज्ञातव्य होगा यह विश्व का लगभग तीस प्रतिशत क्षेत्रफल कवर किया हुआ है और यहाँ से होकर तीन अक्षांशीय रेखा कौन कौन सा रेखा बताते हैं क्या सब होता है कर्क रेखा और आर्कटिक गुजरता है जैसे समझो अगर इस मैप को ध्यान से देखें थोड़ा इसको इरेज कर दें ठीक ना इरेज कर दिया अब यहां पे देखो ये जो आपका इक्वेटर है इसको कहा जाता है विश्ववत रेखा या भूमध्य रेखा तो ये यहां से होकर मलेशिया के आसपास से गुजरता है एशिया से एशिया क्रॉस करता है ये जो आप देख रहे हो ये होता है कर्क रेखा कर्क रेखा ये साढ़े तेईस डिग्री पे काटता है साढ़े तेईस डिग्री पे ये आपका नॉर्थ पार्ट हुआ ये जो होता है जीरो डिग्री पे काटता है और ये सिक्सटी सिक्स इज टू वन बाई टू डिग्री नॉर्थ पे काटता है तो ये हो गया आर्कटिक सर्कल कहा जाता है इसको ये होता है कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जीरो डिग्री अक्षांश कहा जाता है इसको ये जो है ये होता है मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कॉपिकॉर्न कहा जाता है इसको ट्वेंटी थ्री इज टू वन बाई टू साउथ पे होता है ये और यहां पे अंटार्कटिक सर्किल इसको कहा जाता है ये वाला ये होता है साढ़े छियासठ वन बाई टू डिग्री साउथ क्लियर देखो ऊपर में नॉर्थ होता है और नीचे साउथ हुआ इस साइड वेस्ट होता है हालांकि ये गोल है तो हम इसका जिक्र नहीं करेंगे ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ तो नॉर्थ करके रेखा होगा और साउथ क्या होगा हमारा ये होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारत के आठ राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है उन आठों स्टेट का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में एक लाइन से बताइएगा ताकि आपको भी याद करने में क्या हो आसानी हो तो ये क्लियर हो गया कि एशिया से होकर कौन कौन सा तीन लाइन गुजर रहा है एक हो गया आपका आर्कटिक सर्कल दूसरा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स कर्क रेखा और तीसरा क्या हुआ इक्वेटर मीन्स बिशुवत रेखा तो यहाँ पे ये तीनों लाइन याद रखोगे विशुवत कर्क और आर्कटिक थोड़ा और क्लियर अगर पहले आपको ये याद हो जाए फिर ये भी याद रखोगे कि एशिया के कौन कौन से देश से होकर कम से कम कर्क रेखा और विश्वत रेखा ये याद रखोगे क्योंकि ये यू में कई बार पूछ लिया है पी के एग्ज़ाम में आगे दिया गया यहाँ पे एशिया के बारे में कुछ इसका जो बाउंड्री है वो क्या सब दिया गया है तो उत्तर में आर्कटिक महासागर है यहाँ पे याद रखना ये जो एशिया है ऊपर में आपका नॉर्थ है उत्तर है यहाँ पे हम एन लिख देते हैं नॉर्थ कलर ब्लैक कर देते हैं वन मिनट ये आपका क्या हो गया नॉर्थ सेड हो गया वेस्ट इधर हो गया ईस्ट और इधर हुआ साउथ ओके तो आर्कटिक सर्कल कहां पे? उत्तर में है आर्कटिक ये ये ऊपर में वाला जो पार्ट है ये क्या है है आर्कटिक महासागर दक्षिण में हिंद महासागर है इंडियन ओशियन जिसे कहते हैं हिंद महासागर है यहां पे पूर्व में प्रशांत महासागर है पेसिफिक ओशियन यहां पे दिख रहा होगा और इसी में नीचे वाले पार्ट को साउथ चाइना सी कहा जाता है चीन महासागर ये जो पार्ट मैं कवर कर रहा हूं ये साउथ चाइना सी कहा जाता है इसको लेकिन अभी आप याद रखो कि पूर्व में कौन सा है प्रशांत महासागर है आगे दिया गया है पश्चिम में यूराल पर्वत है ये जो लाइन दिया गया है ये लाइन जो एशिया को यूरोप से अलग करता है ये यूराल पर्वत है साथ ही बगल में यहाँ पे ये छोटा सा नदी है इसको कहा जाता है कैस्पियन सागर यहाँ पे ब्लैक सी है सी काला सागर भूमध्य सागर ये एशिया को यूरोप से अलग करता है इस लाइन को पूरा याद करो पश्चिम में यूराल पर्वत है कैस्पियन सागर काला सागर व भूमध्य सागर एशिया को यूरोप से क्या बनाते हैं वो सीमा बनाता है और अलग करता है लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है ये जो यहाँ पे देख रहे हो इसको कहा जाता है रेड सी ठीक है ना रेड सी और इस ये है इस बीच में यहाँ पे मैप में दिखा ये मैंने मैप ओपन कर लिया है ये अपना प्यारा भारत इंडिया है जहाँ पे ये मैं कर्सर घुमा रहा हूँ अगर इसको मैं वेस्ट की तरफ मूव करता हूँ और फिर थोड़ा जूम करता हूँ ओके तो ये जो आपको दिख रहा होगा इसको कहा जाता है गल्फ कंट्री गल्फ कंट्री यहाँ पे रेड सी ओके और ये जो एक पतला सा रास्ता दिख रहा है ये ऐसे यही है स्वेज कैंडल, इसको थोड़ा जूम करते हैं आप लोग और ध्यान से दिखेगा इसको अगर आप और जूम करोगे ना तो एक बीच से एक रास्ता जाता है हल्का हल्का आप लोगों को दिख रहा होगा ना यहाँ पे एक रास्ता है ये इसको बनाने का श्रेय इजिप्ट के महाराज कभी बनाया बनाए थे इसको यह है स्वेज कैनल जिसके ओके जहाज़ पास होता है तो ये क्या करता है इस शेर आपका एशिया आता है और इस शैर क्या होता है अफ्रीका होता है तो एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है यहाँ रेड सी और यहाँ पे स्वेज कैनल आगे दिया गया है बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है मैप में देखते हैं बेरिंग जल संधि कहाँ पे है फिर से इसको हम जूम आउट कर लिए और देखो फिर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं इस साइड जाते हैं ये एशिया और इधर साइड जाते हैं और इधर तो ये जो पार्ट है यहाँ आपका आर्कटिक ओशियन लिखा नजर आ रहा है यहाँ पे ये पार्ट रशिया का है ओके okay? और ये पार्ट जो है एशिया का सॉरी एशिया का नहीं होगा ये रशिया का मीन्स एशियन पार्ट है और ये किसका पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ अमेरिका का ये पार्ट है यहाँ पे कुछ और भी है इसको तरह हम जूम करके दिखाते हैं पहले ये समझ लो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका हुआ ये इस साइड वाला इस वाला पार्ट एशिया हुआ ये जो लाइन है इस जल संधि को कहा जाता है बेरिंग जल संधि ये दो काम करता है एक काम को तो वो पेसिफिक ओशियन को आर्कटिक ओशियन से जोड़ता है ओके और दूसरा काम क्या करता है एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है ये क्लियर हुआ यहाँ पे मैप में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसको आपको हम दिखाते हैं ये हम आगे हैं नॉर्थ अमेरिका के मैप पे। इसको थोड़ा जूम करते हैं ये हुआ नॉर्थ अमेरिका का मैप यहाँ पे जो आपका अलास्का वाला पार्ट था ये पार्ट अलास्का है इसको आप क्रॉस कर दो ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या है अलास्का है ये कनाडा है कभी कभी प्रश्न में ये आता है ये जो अलास्का का पार्ट है ये किस कंट्री का पार्ट है याद रखना ये जो अलास्का है यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का वो हिस्सा है अभी हम एशिया वाले पे आते हैं बाद में इसको कभी देखा जाएगा एशिया में विश्व का लगभग साठ जनसंख्या निवास करती है मतलब सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करता है एशिया में करता है कितना साठ प्रतिशत जबकि हम पढ़े थे एरिया में मीन्स क्षेत्रफल एरिया कितना लेता है लैंड कितना ले रहा है तो थर्टी प्रतिशत थर्टी परसेंट तो ये दोनों आपको याद रखना है आगे और भी कुछ जानकारी दी गई है देखते हैं इसको वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और कुछ प्रॉब्लम भी आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैंशन कीजिएगा या चाहते हैं कुछ और भी इसमें ऐड किया जाए तो वो भी बताइएगा क्योंकि ये तो अभी स्टार्ट है आगे दिया गया है कि एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड आगरा लैंड मीन्स रूस और चीन का जो पार्ट है उसको कहा जाता था आगरा लैंड और गोडवाना लैंड ये प्रायद्वीपीय भारत मीन्स ये जो पूरा भारत है तो ये रशिया चाइना और रशिया को मिला के कहा दा जाता था आगरा लैंड और गोडवाना लैंड कहा जाता था प्रायद्वीपीय भारत को ओके तो ये स्थित है एशिया महाद्वीप के तीन प्रमुख प्रायद्वीप हैं कौन कौन सा तो अरब का प्रायद्वीप डक्कन का प्रायद्वीप और इंडो का प्रायद्वीप बस ये आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हेल्प करेगा कि कौन कौन से प्रायद्वीप हैं तो अरब प्रायद्वीप डक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप पर ये आपको याद रखना पड़ेगा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है अरब प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप ये जो पहले नंबर पर अरब प्रायद्वीप ये क्या है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है आगे दिया गया है एशिया का सॉरी एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला मीन्स माउंट एवरेस्ट है एवरेस्ट पे एग्जिस्ट करता है ये यह यहाँ जो डार्क पार्ट आपको दिख रहा है मिनट ये जो डार्क पार्ट आपको दिख रहा होगा Select. नहीं हुआ पेन हाँ यहाँ पे देखो ये जो डार्क पार्ट घूम रहा है तिब्बत के आसपास यहीं पे आपका यह भी है मीन्स पामीर का पठार जो है ये भी है लेकिन वो थोड़ा ऊपर के साइड में है तिब्बत के साइड में चाइना के साइड में है लेकिन हिमालय पर्वत कहाँ पे है ये डार्क साइड जो रशिया आप लोगों को पता ही होगा नेपाल के आसपास है तो ज़्यादा बताना नहीं है इसमें हमको जो कहाँ पे है नेपाल में स्थित है नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है ये काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए इस पेज में कैसा प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट बनता है देखो ये याद रखो सागर माथा नेपाल में कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है एट एट फाइव जीरो या कहीं कहीं एट एट फोर एट लिखा रहता है तो ज़्यादा उस पर कन्फ्यूजन नहीं करना है हम लोगों को बस याद रखना है और ये जो एट एट फाइव जीरो हाइट है ये किसने मापा था इंडिया ने ही मापा था इंडिया ने मापा था अभी चाइना भी माप रहा है और नेपाल भी अपना खुद माप रहा है तो आगे देखते हैं क्या होता है साथ ही अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है इसको भी याद रखना और गोडवाना लैंड कौन सा है तो रूस और चीन सॉरी रूस और चीन का लैंड है अंगरा लैंड और जबकि प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा है गोडवाना लैंड नेक्स्ट स्लाइड है हमारा जिसमें दिया गया तिब्बत का पठार या तिब्बत नोट कहा जाता है इसको ये विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है इसका लोकेशन अगर बात करें एशिया में कहाँ पे है तो चीन के इस साइड जहाँ पे पहले कभी तिब्बत हुआ करता था वहाँ पे इसका लोकेशन है तिब्बत अभी वर्तमान में चाइना का पार्ट बन गया है ये इंडिया और चाइना के बीच में हालांकि ठीक ना ये जो हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है इसके नॉर्थ में कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में जो मध्य एशिया में दो लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर पठार है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहाँ एग्जिस्ट है, है तो एशिया में है इसका नाम क्या है पामीर का पठार जिसकी ऊंचाई फोर एट सेवन फाइव मीटर है अड़तालीस सौ पचहत्तर मीटर है इसकी ऊंचाई काफ़ी अधिक है अगर आप कभी पढ़ोगे पठार किसे कहते हैं पठार किसे कहते हैं तो आप पढ़ोगे कि जिसका ऊँचाई आठ मीटर से अधिक होगा उसको हम कहेंगे मीन्स पठार और सॉरी मैंने गलती कहा 200 मीटर से अधिक होगा और 800 मीटर तक होगा उसको हम कहेंगे पठार मतलब 200 से लेकर 800 मीटर तक का हाइट होगा उसी को हम कहेंगे पठार पर इसका ऊंचाई कितना है तो अड़तालीस मीटर तो ये एक्सेप्शन है अपवाद है ठीक ना क्योंकि इसका साइज़ ही अब इस टाइप का है काफ़ी लंबा चौरा है काफ़ी हाइट पे भी है इसको क्या कहा जाएगा पठार कहेंगे जबकि पठार का जो डिफिनीसन है उसके अंतर्गत ये लिखा गया है कि एटफर्स तो इस शेप का होना चाहिए और उसका ऊंचाई आठ मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए ओके फिर भी ये क्या है पठार है इसी कारण से पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इसको पामीर के पठार को आगे दिया गया है एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है चाइना है दूसरे स्थान पर अपना भारत इंडिया आता है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है चीन है और सबसे छोटा देश कौन सा है मालदीव है अच्छा यहाँ पे आप लोगों को हो सकता है कन्फ्यूजन हुआ हो एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है चीन है यहाँ पे गलती लिखा गया है चीन नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा रसिया होगा वन मिनट रूस होगा ठीक है ना रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है रूस है इसको सही कर लेंगे हम सर पी में हम ही कर ले या नहीं तो ना हो तो आप लोग कर लीजिएगा और सबसे छोटा देश कौन सा होगा मालदीव होगा मालदीव का लोकेशन देखो इंडिया इसके नीचे काफी छोटा सा आइलैंड का ग्रुप है एक मालदीव्स जिसकी राजधानी कहाँ पे है माले है एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व डेंसिटी जो होता है पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है सिंगापुर का है इसका लोकेशन मैंने यहाँ रखा है सिंगापुर एशिया मीन्स साउथ चाइना सी में है ये ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट सिंगापुर छोटा सा है मीन्स मालदीव यहाँ पे जो ये कंट्री है इंडोनेशिया इस सबके बगल में है ये मालदीव आगे है स्थल रुद्ध इसका मतलब क्या होता है ये होता है लैंडलॉक लैंडलॉक ये होता है लैंड लॉक कंट्री ऐसा कंट्री जो चारों तरफ से मीन्स उसका कहीं भी रास्ता समुद्री नहीं हो मीन्स समुद्री मार्ग से ना हो उसको कहा जाता है लैंड लॉक कंट्री जैसे कि आपको हम दिखाते हैं मैप में जैसे ये अपना प्यारा भारत इंडिया है इसके बाद आप नॉर्थ में देखो ये रहा नेपाल इसका बाउंड्री जो है कहीं से भी किसी समुद्री तट से नहीं मिला हुआ है राइट चारों तरफ से क्या है किसी भी देश से घिरा हुआ मतलब लैंड से ये पूरी तरह से लॉक है लैंड से लॉक है इसीलिए इसको लैंड लॉक कहा जाता है हिंदी में इसको स्थल रुद्ध देश कहा जाता है जैसे कि भूटान हुआ तो आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाता है कि इसमें से कौन सा कंट्री लैंडलॉक कंट्री है या नहीं है ऐसा ऑप्शन दे देगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करोगे पर यहाँ पे एशिया का जो लैंडलॉक कंट्री है वो कौन कौन सा है इसका लिस्ट दिया गया स्क्रीन शॉट ले लो कजाकिस्तान अफगानिस्तान मंगोलिया नेपाल भूटान तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान और लाओस फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार कजाकिस्तान अफग़ानिस्तान मंगोलिया नेपाल भूटान तुर्गमेनिस्तान लाओस तजाकिस्तान किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान की राजधानी अभी चेंज हुआ है याद रखना मीर सुल्तान है मीर सुल्तान अस्थल रुद्र मीन्स लैंडलॉक कंट्री जितना भी है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है कजाकिस्तान जिसको सेंट्रल एशिया का कंट्री भी कहा जाता है कजाकिस्तान को सेंट्रल एशिया का कंट्री भी कहा जाता है जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूप देश है मंगोलिया आपको देखने को मिलेगा चाइना और रसिया के बीच में इसका इंटरेस्टिंग फोटो है दिखाते हैं ये देखो ये हुआ अपना प्यारा भारत इंडिया यहाँ पे, ये हुआ चाइना और ये हुआ रसिया रसिया के बीच में ये वाला पार्ट जो सैंडविच की तरह दोनों तरफ से दबा दिया है मंगोलिया को ये है मंगोलिया जहाँ का पहले कभी चंगेज खा हुआ करता था और यह कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान ये काफ़ी बड़ा है कजाकिस्तान लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रूप देश है जो दक्षिण पूर्व में है ओके यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था मतलब पहले प्रारंभिक टाइम में ये लाओस जो है फ्रांसीसी का उपनिवेश था एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है यांगसी है ये आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है यांगसी है अधिकतम गहराई मृत सागर डेड सी जिसको कहते हैं अधिकतम गहराई एशिया का कौन सा है मृत सागर ये वर्ल्ड का ही है मृत सागर और सबसे लंबी नदी कौन सी है यांगसी इस दोनों को कभी नहीं भूलना याद कर लेना इसको आगे दिया गया है एशिया का एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच है मेरियाना गर्त जो है ग्यारह हजार तैतीस लिखा रहता है ग्यारह हजार तैतीस कहीं कहीं बाईस कहीं कहीं तैतीस लिखा रहता है ये इतना मीटर गहरा है ओके तो ये कहाँ मीन्स एग्जिस्ट है फिलीपींस द्वीप के आसपास फ़िलीपींस द्वीप कहाँ पे? ये आपको दिखाते हैं मैप में ये अपना इंडिया यहाँ पे देख रहे हो इसके हम वेस्ट सॉरी ईस्ट में जा रहे हैं ये है आपका फिलीपींस जिसकी राजधानी मनीला है ओके तो इसके आसपास क्या है मेरियाना ट्रेंच है जो दुनिया का सबसे गहरा ट्रेंच है मेरियाना ट्रेंच जिसका गहराई कितना था एलेवन जीरो थ्री थ्री मीटर ओके और सबसे हाइट पे कौन सा जिस मतलब जिक्र किए थे माउंट एवरेस्ट जिसका ऊंचा कितना था एट एट फोर एट मीटर ओके तो ट्रें छी अधिक गहरा है आगे दिया गया है विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है बैकाल झील रशिया में याद रखना जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है जिसकी गहराई उन्नीस मीटर है ये एशिया में स्थित है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वो कैस्पियन सागर है कैस्पियन सागर ये भी रसिया में ही एग्जिस्ट करता है ओके तो ये दोनों आप लोगों को याद रहना चाहिए सबसे गहरी झील कौन सा है बेकाल झील और सबसे बड़ी झील कौन सा है कैस्पियन सागर रूस के एशियाई भाग को साइवेरिया कहा जाता है ये मैंने पहले ही जिक्र किया था कि रसिया का कुछ पार्ट यूरोप में है और कुछ पार्ट क्या है एशिया में है तो रसिया का ऐसा पार्ट जो एशिया में आता है उसको हम क्या कहते हैं साइबेरिया बेकाल झील और कैस्पियन सागर साइवेरिया में है मतलब रसिया में ही एग्जिस्ट करता है आगे दिया गया है एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेगांग झील है पैगांग झील जो लद्दाख और तिब्बत के बॉर्डरी पर स्थित है एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है मानसीराम है जो मेघालय भारत में है पहले चेहरापूंजी था राइट यह मानसीराम में बारिश कितना होता है ग्यारह मिलीमीटर जो कि काफ़ी अधिक है अगर आप धान की खेती के बारे में जानते हो तो दो सौ mm चाहिए धान की खेती के लिए जिसमें कहा जाता है कि काफ़ी अधिक हमेशा पानी लगा रहता है अब सब जो इतना पानी होता है तो काफ़ी अधिक हुआ है ग्यारह हज़ार चार सौ पाँच मिलीमीटर ये होता है मेघालय मानसीराम भारत में ओके एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है गोरखपुर जिसकी लंबाई कितनी है एक दशमलव तीन किलोमीटर पहले ये खड़गपुर हुआ करता था चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है दूसरे स्थान पर जापान है विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है जो कि चीन का ही पार्ट है और अभी इसमें संविधान संशोधन हुआ सुरक्षा को लेकर तो ये काफ़ी न्यूज़ में है चलो इसका लोकेशन देख लेते हैं ये अपना प्यारा भारत इंडिया हुआ इसे अपना चाइना है चाइना के हम इस पॉइंट पे आपको ले चलते हैं ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो यही है हांगकॉन्ग जूम नहीं करते हैं बाद में जब कंट्री पढ़ेंगे हम पूरी तरह से इसको बताएंगे यहाँ पे बस देख लो चाइना के यहाँ पे ये हो गया अपना ईस्ट और इधर हुआ साउथ साउथ ईस्ट में यहां पर एग्जिस्ट करता है हांगकॉन्ग काफी न्यूज में है तो उसके बारे में आपको जानना होगा आगे दिया गया विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है भारत है सबसे अधिक डाकघर कहाँ पे है भारत में है डाकघर का शुरुआत भारत में कब हुआ था तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ था यह भी आप याद रख लेना आगे प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदी कौन सी है वांगो आमूर सिक्किया और यांगटी सिक्यांग ठीक ना ये सब नदी है जो प्रशांत महासागर में गिरती है एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है जावा कई बार पूछा गया प्रश्न ये एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है जावा एशिया में सर्वाधिक जूट और गन्ने का उत्पादक है बांग्लादेश और भारत गन्ना में भारत और जूट में बांग्लादेश गन्ना में भारत में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश ओके एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत मीन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका डेवलपमेंट जापान में हुआ है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जहां भी साइबेरियन का जिक्र हो जाए समझ लेना ये रसिया का बात है क्योंकि रसिया जो एशिया का पार्ट है उसी को कहा जाता है साइबेरिया ठीक यह रेल मार्ग जो है कहाँ से कहाँ तक जाता है तो लेनिन ग्रांड से ब्लाडी बस्टक तक यहाँ पे कवाडी लिखा है ब्लाडी बस्तक है ठीक ना ब्लाडी बोस्टक तक इसकी लंबाई कितनी है चौरानवे सौ अड़तीस किलोमीटर चौरानवे सौ अड़तीस किलोमीटर है बस याद रखो लेनिन ग्रांड से ब्लाडी बस्टक तक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है इसका आगे दिया गया है एशिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सा है सिकन जो कि जापान में ही है जो कितना लंबा है तिरपन दशमलव आठ पाँच किलोमीटर लंबा है और समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है 240 मीटर है रबर का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन कौन सा है थाईलैंड मलेशिया और इंडोनेशिया मैप में आपको दिखा चुके हैं कहाँ कहाँ है ये थाईलैंड मलेशिया और इंडोनेशिया ये साउथ चाइना सी के नीचे पड़ता है आगे दिया गया यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक में एशिया का कहाँ सब क्या स्थान है तो देखो एशिया के देश में चीन गेहूं में चावल चाय कपास इस सब में चीन क्या है प्रथम स्थान पे है एशिया के देश में जापान को सहतूत की पत्ती मतलब जो रेशम का उत्पादन होता है उसमें क्या है जापान टॉप पे है आगे दिया गया है एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर कौन सा है थाईलैंड अभी पढ़े थे एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है मलेशिया है टीन के निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान पे है मलेशिया का इपो टीन खनन के लिए प्रसिद्ध है पूछा जाएगा इपोह मलेशिया का किस लिए प्रसिद्ध है तो टीन खनन के लिए प्रसिद्ध है कमेंट बॉक्स में बताना टीन का संकेतक सूत्र क्या होता है टीन का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आगे दिया गया है एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, है, दे है। मोहनजोद्रो जो पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट है ये एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है मोहनजोद्रो जो कहाँ एग्जिस्ट है पाकिस्तान में है तथा सबसे ठंडा स्थान कौन सा है बर्खो यान बोखोयांस कहा जाता है ये साइबेरिया में है रसिया में जिसका टेम्परेचर छप्पन डिग्री सेल्सियस हालाँकि तिरपन लिखा यहाँ पे इसको छप्पन कर लो ठीक ना छप्पन डिग्री सेल्सियस मापा गया था 2014 में और मिनिमम 69 डिग्री सेल्सियस ये जो बायोखांस है इसको शीत ध्रुव कहा जाता है क्योंकि काफ़ी ठंडा टेम्परेचर रहता है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर को स्वेज नहर कहते हैं ये मैप में हम दिखाए थे स्टार्टिंग में जिसका जिक्र किए थे कि इजिप्ट के महाराज द्वारा बनाया गया था इजिप्ट की राजधानी कैरियो है अभी बस याद रखो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली रेखा कौन सी है स्वेज नहर स्वेज कैनाल अच्छा एक प्रश्न आपके मन में हो सकता है आ गया हो कि एक जगह मैंने कहा था बेरिंग जल संधि बेरिंग जल संधि वो भी तो दो सागर को जोड़ रहा था और यहाँ भी ये दो सागर को जोड़ रहा है तो इसको हम नहर क्यों कहते हैं तो जल संधि और नहर में बस थोड़ा सा अंतर है स्ट्रीट और इसमें नहर में कि नहर जो होगा वो आर्टिफिशियल होगा इसको लोगों ने बनाया होगा और जो जल संधि होता है वो मीन्स प्राकृतिक होगा नेचुरल होगा ओके विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है ओके और मीन्स इंडोनेशिया में एक जगह है बाडूगा वहाँ पे सबसे बड़ा उत्पादक सिनकोना का केंद्र है सिनकोना का यूज़ किया जाता है पुनैन बनाने में जिससे मलेरिया की दवाई बनती है काफ़ी इंपोर्टेंट लाइन है ये आपके लिए सिनकोना से कुनेन बनाया जाता है जो मलेरिया की दवाई में हेल्प करता है मीन्स दवाई बनता है उसका एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है जापान है आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है बेरिंग जल डमरू मध्य अभी बताए थे जो अलास्का और कमचटका प्रायद्वीप के बीच है कमचटका प्रायद्वीप रशिया का पार्ट है जापान का नागासाकी शहर द्वीप पे है द्वीप पे स्थित है जापानी लोग चाहे कि अत्यधिक प्रिय है इसीलिए वो चाय के लिए एक स्पेशल फेस्टिवल मनाते हैं इसका नाम है चांद यू चांद यू रिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न ऐसे आएगा कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है तो रिंग जल संधि रिंग जल संधि एक प्रश्न और आएगा कौन सा जल डमरू जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रेखा के नज़दीक है तो बेरिंग जल संधि ये दो का शायद यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न था कि कौन सा मीनस जल डमरू जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बगल से है तो बेरिंग जल संधि ओके अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो जीरो डिग्री पे गुजरता है ग्रीन बीच इंग्लैंड से तो ये सब आपको पता होगा नहीं पता होगा तो आगे हम पढ़ेंगे पूरी जानकारी आपको मिलेगी ज्योग्राफी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा तो यहाँ आपका एशिया कंप्लीट हो गया उम्मीद करते हैं एशिया से रिलेटेड अब आपका कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर फिर भी आपको लग रहा हो कहीं कोई डॉट है तो हालांकि एशिया मैं कवर किया हूँ एशिया के अंदर बहुत सारे कंट्री हैं वो धीरे धीरे और कंप्लीट होगा अगर आपको सेशन अभी अच्छा लगा हो और चाहते हैं कि मैं इसी तरह कैरी ऑन करूँ आगे भी बनाते रहूँ तो इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा पसंद आ रहा हो डिसलाइक भी कर दीजिएगा ना पसंद आ रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हैं पर कारण जरूर बताइएगा ताकि वीडियो को इंप्रूव कर सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं टायरलेस कुमार और आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्रम में आज हम पढ़ेंगे यूरोप इससे पहले हम लोग एशिया पढ़ लिए थे काफ़ी अच्छे से पढ़े थे मैप को काफ़ी अच्छे से समझा था ताकि आपको मैप में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा तो अभी हम पढ़ रहे हैं यूरोप वीडियो को ध्यान से देखिएगा काफ़ी अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी उत्कृष्ट लेवल का यहाँ पे जानकारी दिया जाएगा और साथ ही इसका पी और वीडियो के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है सर्च करने आपको अध्ययन केंद्र मिल जाएगा तो चलो देखते हैं यूरोप ये पूरे वर्ल्ड का मैप यहाँ पे है यहाँ पे अपना प्यारा भारत इंडिया है इंडिया से अगर आप ऊपर जाओगे ऊपर नॉर्थ होता है और इस साइड क्या होता है वेस्ट होता है तो इस कॉर्नर में अगर हम जाएंगे ना तो यहाँ हमको क्या मिलेगा यूरोप मिलेगा यूरोप जिसको सबसे आधुनिक यानी सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था यूरोप में ही हुआ था तो एशिया के बगल में या फिर यू कह सकते हैं कि एशिया के साथ जो कॉन्टिनेंट बाउंड्री शेयर करता है वो है यूरोप अब जानते हैं यूरोप के बारे में और भी मेन तथ्य कि यूरोप में कौन कौन सा कंट्री है तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो रशियन फेडरेशन देखो रशिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है रशिया का ऐसा पार्ट जो एशिया में आता है उसको कहा जाता है साइवेरियन रसिया साइबेरियन रसिया और रसिया का ऐसा पार्ट जो यूरोप में आता है उसको कहते हैं हम रसियन फेडरेशन क्लियर अगर पूछे यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है तो रसिया मारिएगा ठीक बहुत सारे बुक में यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री फ्रांस देता है आपको दिख रहा होगा फ्रांस कितना छोटा है जबकि फ्रांस नहीं है आंसर अपना क्या होना चाहिए रसिया होना चाहिए और वही अगर पूछ दे कि एशिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है तो आपको टिक करना होगा चाइना पे ना कि रसिया पे लेकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री तब टिक करना होगा रशिया पे अब फिर देश का लोकेशन थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं यहाँ जो आपको दिख रहा होगा यह नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड इस तीनों देश को कहा जाता है एसकेवेंडियन कंट्री कहा जाता है आप कोई भी लिस्ट देखते हो चाहे एच हो या फिर कोई भी इनोवेशन इंडेक्स हो हैप्पीनेस इंडेक्स हो सब में ये सब टॉप पे होता है नॉर्वे स्वीडन और फिनलैंड इसका नाम सुनते ही हो गए यहाँ पे जो आपका देश है कजाकिस्तान कजाकिस्तान यूक्रेन यूक्रेन हालांकि अभी रशिया का पार्ट है इस पर हमला करके वो जीत लिया यूक्रेन यहाँ पे बेलारूस लिथुनिया इस्तोनिया लिवेटिया पोलैंड जर्मनी फ्रांस स्पेन पुर्तुगे पुर्तगाल जहाँ के भारत के खोजकर्ता जो वास्को डिगामा थे यही के थे पुर्तगाल के यहाँ पे आपका यूनाइटेड किंगडम और यहाँ पे आयरलैंड आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच ये जो गैप दिख रहा है ना यही है चैनल इंग्लिश चैनल किस दो देश के बीच पड़ता है तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच पड़ता है और यहाँ पे आइलैंड है जिसको आइसलैंड लिखा जाता है अब मेन फैक्ट पे आते हैं इस महाद्वीप में छियालीस देश हैं यूरोप में देशों की संख्या कितनी है छियालीस है यूराल और काकेकस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है या पृथक करता है काकेकस Ka पर्वत यूराल माउंटेन को ही कहा जाता है अगर आप ये आप मैप देखोगे तो एशिया को यूरोप से कौन सा माउंटेन अलग करता है या कौन सा बाउंड्री बनाता है तो आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पे है यूराल माउंटेन ये क्या है यूराल माउंटेन यूराल माउंटेन एशिया को यूरोप से अलग करता है मैप में आप देख रहे हो थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट है ये यूराल यही अलग करता है एशिया को यूरोप से ओके इसमें टोटल देशों की संख्या कितनी है छियालीस है देखो बार बार रिपीट करके पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा आसानी से ये यूराल माउंटेन का एक और फोटो यहाँ पे लगाया गया है यहाँ पे इसकी हाइट सबसे अधिक है, है और उधर कम है हाइट यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप यानी सिविलाइज जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है यूरोप है यूरोप को यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है प्रायद्वीपीय प्रायद्वीप किसे कहा जाता है यूरोप को बहुत बार पूछा गया प्रश्न है एन हो एस हो बहुत बार पूछा गया है यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है मतलब सबसे छोटा महाद्वीप तो हमने पढ़ाया ऑस्ट्रेलिया है, है पर उससे थोड़ा बड़ा कौन सा है यूरोप यूरोप का अगर महाद्वीप की मीन्स चौहदी की बात करें जो उसके चारों साइड क्या सब है तो उत्तर मिलेगा आपको ध्रुव सागर उत्तरी ध्रुव सागर दक्षिण में मिलेगा भूमध्य सागर दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर जिसको हम ब्लैक सी कहते हैं और पश्चिम में मिलेगा आंध्र महासागर पश्चिम में क्या है महासागर दक्षिण में है भूमध्य सागर और काला सागर और उत्तर में क्या है ध्रुव सागर प्रश्न हो सकता है आपके मन में पूरब में क्या है तो आप ही देख लो ना पूर्व में क्या हो जाएगा अपना एशिया हो जाएगा पूर्व में क्या है यहां पे देखो पूर्व में क्या है एशिया है पूर्व में एशिया इस साइड नीचे में दक्षिण में भूमध्य सागर है और काला सागर है और इस साइड क्या है मतलब ये अटलांटिक ओशियन और ऊपर में क्या है ध्रुव है यानी आर्कटिक ओशियन कह सकते हैं इसको यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलब्रुज है जो कि रूस में स्थित है यूरोप का सबसे हाईएस्ट पिक कौन सा है एलब्रुज जो कि छप्पन मीटर है यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब है डेन्यूब वहाँ की सर्वाधिक फेमस रिवर है डेन्यूब ऑस्ट्रिया बुल्गारिया चेक स्लोवानिया युग स्लेवाकिया और रोमानिया से होकर यह बढ़ती हुई यूक्रेन के निकट जो काला सागर है ब्लैक सी मैंने दिखाया था यूक्रेन वहां पे वो गिरती है कौन सी रिवर तो डेन्यूब प्रश्न आएगा डेन्यूब रिवर जो है कहाँ गिरती है तो काला सागर में गिरती है और इसका उद्भव कहाँ से होता है तो यह होता है ऑस्ट्रिया से ऑस्ट्रिया डेन्यूब नदी के तट पर बूडापेस्ट बुखारेस्ट बियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है यूरोप की सबसे लंबी नदी बोलगा है देखो फेमस नदी महत्वपूर्ण नदी की बात हो तो हम डेन्यू पे टिक करेंगे ठीक ना लेकिन सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन सा हो जाएगा बोलगा लेकिन दुनिया का सबसे लंबी नदी कौन सा है तो नील नदी है नील नदी है और यूरोप का कौन सा हो गया बोलगा नदी हो गया अपने इंडिया का कौन सा है गंगा नदी है याद होगा ना इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है किसको बोलगा को बोलगा को डॉन नदी में मिला दिया गया है इससे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भितरी भागों से जाने लगे हैं जब यह डॉन सागर में इसको मिला दिया गया है इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है अब ये मैप देख सकते हो यहां मैंने लिया है ब्लैक सी है अच्छा इसमें क्लियर नहीं हो रहा ये वैसे देख लो ये जो है ना यहाँ पे है फ्रांस और ये पे ब्रिटेन है यहां इस बीच में रिवर है ये रिवर का मैप है मिनट जो इसमें देखो नहीं वेट पे देखो इस वाले मैप में ये जो है ना फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम इसके बीच में ही क्या है इंग्लिश चैनल है इंग्लिश चैनल मैंने एक मैप लगाया है पर मिलानी दिखाएंगे आपको आगे भी यूरोप में फिर यहाँ पे दिया गया है इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादक देश है अंगूर और जैतून राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सबसे व्यस्त बेस्त स्थलीय जलमार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोप का सबसे व्यस्त जलमार्ग कौन सा है तो वो हो जाएगा राइन नदी राइन नदी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस जो है वो कहाँ स्थित है यूरोप में स्थित है पर कहीं कहीं आपको कहाँ मिल जाएगा रसिया जो है वो एशिया में भी स्थित है पर रियलिटी क्या है ये दोनों जगह स्थित है यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागरों द्वारा घेरा होने के कारण इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कह लो या प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये तीन क्षेत्र से घिरा हुआ है जैसे अगर इंडिया की बात करें तो प्रायद्वीपीय स्टेट कौन कौन सा हो जाता है जो नीचे की तरफ इस शेप में जो स्टेट सब आ गया उसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत अब यहाँ पे यूरोप में जो मुख्य देश है एक फ्रांस उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं इसका लोकेशन देख लो फ्रांस का ये आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्रांस और यह इंग्लिश चैनल यहाँ पे इंग्लैंड जिसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं तो इंग्लिश चैनल को फ्रांस से अलग करता है या प्रश्न ये आएगा कि यूरोप को या इंग्लैंड को यूरोप के मुख्य भूमि से कौन अलग करता है तो इंग्लिश चैनल इंग्लिश चैनल और यह फ्रांस तो फ्रांस के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस है पेरिस और यहां पे आपको यूनिसेफ का मिलेगा फ्रांस पेरिस में जो कि सीन नदी के तट पर है फ्रांस किस नदी के तट पर है सीन नदी के तट पर है यह विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है विश्व का सबसे सुंदर नगर कहते हैं फ्रांस को फैशन की नगरी भी इसे ही कहा जाता है फैशन की नगरी कौन फ्रांस का एक प्रमुख शहर है जो कौन फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता जा है प्रश्न अगर ये आ जाए कि कौन फिल्म फेस्टिवल किस देश में होता है तो आंसर आपका होगा फ्रांस सैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में ही बनता है फ्रांस सूरा और सुंदरियों के लिए सुंदरियों के लिए मेरे ये देश प्रसिद्ध है यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेलमार्ग रेल मार्ग है यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग कौन सा है रेल मार्ग जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुतूनतुनिया नगर के मध्य चलती है फ्रांस के पेरिस से टर्की के कुतूनतुनिया नगर तक चलता है ऑरियंट रेलमार्ग जबकि हमने दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा पड़ा है ट्रांस सेवेरियन रेलमार्ग जो कि लेनिन ग्रांड से प्लादी बोस्तक तक, तक जाता है रूस में है फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है फ्रांस की जो सीन नदी है वो इंग्लिश चैनल में ही गिरती है फ्रांस की जो सीन नदी है वो कहाँ गिरती है इंग्लिश चैनल में ही गिरती है फ्रांस की भूमि व जलवायु की दृष्टि से इसे लघु यूरोप कहा जाता है क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो है ना काफ़ी अधिक है फ्रांस की राजधानी पेरिस आपको यहाँ देखने को मिलेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ पे इसका बे ऑफ बिस्के बे ऑफ बिस्के इस अटलांटिक ओशियन है या पे सी जिसको भूमध्य सागर कहते हैं फ्रांस किस किस देश के साथ बाउंड्री टच करता है तो इसे आपको स्पेन मिल जाएगा यहाँ पे इटली है यहाँ पे बर्न यानी स्वीडन स्वीडन यहाँ पे ऊपर में जर्मनी है और यहाँ पे बेलारूस है सॉरी ब्रुसेल्स है ब्रूसेल्स जिसकी राजधानी बिस्के कहते हैं और ऊपर में यहाँ पे लंदन है फ्रांस में काफ़ी फेमस है ये एलफिल टावर फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है आत्मनिर्भर इसे किसानों का देश एवं समुद्रों की रानी भी कहा जाता है किसे फ्रांस को नॉर्वे के स्लवार्ड द्वीप में अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया कहाँ पे नॉर्वे के स्लवार्ड द्वीप में ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आयरलैंड वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित होता है जो क्रमशः इसके पूर्व से पश्चिम की ओर उत्तरी भाग में है अल्पास की सबसे ऊंची चोटी माउंट ओके फ्रांस में स्थित है अल्पास जो माउंटेन है उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ओके जो है यह भी आपको फ्रांस में ही मिलेगा अब है यूरोप का एक देश है स्विट्जरलैंड काफी फेमस है इसके बारे में कुछ जानते हैं तो अल्पास पर्वत का सर्वाधिक विस्तार जो है वो आपको देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट वनाई दर्रा मार्ग प्रदान करती है ऑस्ट्रिया और इटली के बीच ग्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है याद रखिएगा एक जो ड्यूक गाड़ी है ना ड्यूक मोटरसाइकिल उसकी कंपनी है ऑस्ट्रिया की विश्व का सबसे लंबा भूमिगत मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है विश्व का सबसे लंबा है ये पो नदी पो नदी इटली की गंगा को कहा जाता है बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि इटली की गंगा किसे कहा जाता है पो नदी को इटली की गंगा पो नदी को स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड अब है यूरोप को सॉरी यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता है यहां पे आप मैप देख रहे दे होंगे, तुर्की का लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस सेट आपको दिखेगा ब्लैक सी है और इस साइड है भूमद सागर सी जो कहते हैं इसको मतलब मेडिटेरियन सी कहते हैं यहाँ पे गल्फ़ कंट्री है जो कि जैसे सीरिया इराक ईरान सऊदी अरेबिया है इसर अफ्रीका है यहाँ रशिया है बहुत बड़ा कंट्री और इधर यूक्रेन मतलब काफ़ी एक स्टेबल सॉरी नॉन स्टेबल कंट्री को कहते हैं हम तुर्की को ठीक ना तो और बहुत सारा इसका बाउंड्री अच्छा मतलब लोकेशन पर है ये तुर्की इसे कहा जाता है यूरोप का मरीज यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं यह काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है मतलब काला सागर ऊपर है भूमध्य सागर नीचे है यहाँ पे मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग और यूरोपीय भाग को अलग करता है यहाँ पे जो मरमरा सागर है ना इसी के कारण ये क्या होता है अलग होता है तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपीय भूभाग पर स्थित है तुर्की की राजधानी जो अंकारा है वो यूरोप में स्थित है नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है इन तटबंधों को ट्रैक कहते हैं इस प्रकार प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं पोल्डर किसे कहा गया कि समुद्र पे अगर आप ट्रैक बनाकर भूमि प्राप्त करेंगे तो उसे हम पोल्डर कहते हैं यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर अगर पूछे तो लंदन है यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है लंदन है जो कि टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है टेम्स नदी लंदन किस नदी पे है टेम्स नदी बहुत बार पूछा गया प्रश्न तो प्रश्न टेम्स नदी के तट पर है लंदन यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व में प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी का डलिया कहलाता है रोटी का डलिया हम किसे कहते हैं ये कहते हैं यूक्रेन को यूक्रेन यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं ये जो फिनलैंड आप देख रहे हैं एक इसे कहा जाता है यूरोप का झीलों या फिर विश्व का झीलों का देश कहा जाता है इसके एक सर आपको मतलब ये मिलेगा स्वीडन मिलेगा यहाँ पे नॉर्वे है और इस है रसिया ये है फिनलैंड यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हौस पर्वत बहुत पर्वत है इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है यह हिमालय की तरह आल्या पर्वत है यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली और स्वीडन के महुआ में हुआ है मतलब यूरोप का भारत कौन हो गया इटली हो, हो गया क्यों हो गया क्योंकि वो भी कृषि प्रधान देश है अब इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है कई बार जिक्र हो गया यही पिक्चर बात कर रहा था यहां पे इंग्लिश चैनल इस साइड आपका फ्रांस है और यहां पे है यूनाइटेड किंगडम तो दोनों को अलग करता है इंग्लिश चैनल डोबर मध्य से जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है इस रेलवे सुरंग की कुल लंबाई पचास किलोमीटर और गहराई जो है वो पचहत्तर मीटर है इसकी शुरुआत 6 मई उन्नीस को शुरू हुआ था और 14 नवंबर उन्नीस सौ इक्यानवे से इसमें सेवा शुरू हो गया मतलब यात्रा करना लोग शुरू कर इस भी उल्टा पुलटा हो गया यहाँ पे इक्यानवे यहाँ पे चौरानवे होगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप की गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि गल्फ स्ट्रीम जो है ना किस टाइप का धारा है तो गर्म जलधारा है गर्म जलधारा है इसे गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है यूरोप में अब यूरोप का कुछ अन इफेक्ट दिया गया है उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है जॉर्जिया अर्मेनिया उजरबाइजान या पश्चिमी उजरबाइजान को संयुक्त रूप से काकेकस राज कहा जाता है काकेकस राज किसे कहा जाता है जर्मे सॉरी जॉर्जिया अर्मेनिया पश्चिमी अजरबैजान और संयुक्त मतलब इसी सबको मिला मॉस्को को पांच सागरों का पतन कहा जाता है किसे मॉस्को को मॉस्को को पांच सागरों का पतन कहा जाता है ये कैस्पियन सागर लाल सागर बाल्टिक सागर और काला सागर व लगोडा झील ये पांचों है इसमें ट यानी बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है कौन सा एंटबर्प एंटबर्प तो ये था टोटल पूरा आपका यूरोप पूरा मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया अगर आप पूरा देखे होगी कहीं स्किप नहीं किए होगी तो उम्मीद था आपको यूरोप में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी हां अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर लो तो, तो दिक्कत हो जाएगा मतलब तो छोटे मोटे एग्जाम में आपको कॉन्टिनेंट से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर मेरे भाई जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं टायरलेस कुमार और आज के इस वीडियो में जो हमारा कॉन्टिनेंट चल रहा था उसमें आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका इससे पहले हमने एशिया नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका और यूरोप चार कॉन्टिनेंट कंप्लीट कर लिया है अभी हम पढ़ेंगे अफ्रीका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अगर एरिया के दृष्टिकोण से बात करें तो ये दूसरे नंबर पर आता है ठीक ना तो इसके बारे में हम पूरा मैप के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब कुछ जानेंगे आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले अगर हम कॉन्टिनेंट में बात करें तो ये रहा अपना प्यारा भारत एशिया और कॉन्टिनेंट में चलो यहां से अगर हम इसको डिवाइड कर दें ये पूरा ये रीजन ठीक ना तो ये क्या आता है एशिया में आता है ये इधर यूरोप हो गया ये है अफ्रीका ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है यही क्या है अफ्रीका है ओके अब यहाँ पे देख लो अफ्रीका में अगर आपसे एक सिंपल सा प्रश्न आता है कि सबसे लार्जेस्ट कंट्री अफ्रीका का कौन सा हो जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा अल्जीरिया अल्जीरिया याद कर लो सबसे बड़ा कंट्री अफ्रीका का कौन सा है तो अल्जीरिया जिसकी राजधानी क्या है अल्जीरियस साथ ही कुछ कंट्री जो हमेशा न्यूज़ में रहता है उसका लोकेशन देख लो ये आपका मोरक्को है जिसका स्पेन के साथ विवाद चलते रहता है मोरक्को यहाँ पे हुआ माले ये हुआ चार्ट काफ़ी गर्म जगह पहले यह हुआ करता था सूडान इजिप्ट जिसकी राजधानी कैरो है बहुत बड़ा पूछा जाता है यहीं से होकर स्वेज कैनल गुजरता है स्वेज नहर सुनते हो बार बार स्वेज नहर कहाँ गुजरता है जो रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है वो है रेड सी सॉरी स्वेज कैनल और वो कहाँ पे पड़ता है इजिप्ट में पड़ता है यह हुआ लीबिया इथोपिया ये सोमालिया ये जो सिंह जैसा दिख रहा है ना एक तो प्रश्न यहा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कौन से कंट्री में पड़ता है तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये जो अफ्रीका दिख रहा है ना इसका ये सिंह हुआ हॉर्न मतलब सिंह होता है तो ये कौन सा कंट्री है यहाँ पे सोमालिया है कभी कभी ऑप्शन में सोमालिया इथोपिया ये सब भी आएगा तो उस पर भी आपको टिक करना है सारा मिलके क्या बनाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाता है यहां पे साउथ साउथ अफ्रीका है जिसका क्रिकेट टीम या फिर जो न्यूज़ में रहता है या हम लोग जिस कंट्री को जानते हैं बहुत अधिक साउथ अफ्रीका है जिसकी राजधानी क्या केपटाउन साउथ अफ्रीका की राजधानी कैप्टाउन है और उसके बीच में एक छोटा सा देश पड़ता है मतलब पूरी तरह से लैंडलॉक कंट्री है ये साउथ अफ्रीका के बीच में पड़ता है नाम है उसका लोसोटो याद रखिएगा बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि लोसोटो कौन से कंट्री में पड़ता है तो ये आपका कहाँ आता है साउथ अफ्रीका में पड़ता है लोसोटो बहुत बार पूछा गया प्रश्न चलिए तो अब अफ्रीका के बारे में और कुछ जान लेते हैं और जहाँ भी मैप का जिक्र होगा हम पूरे मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो काफी आपको हेल्प मिलेगा तो यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका जो जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से अलग होता है अगर आप ये मैप देख रहे हो ये तो ये क्या है यूरोप है और ये क्या हुआ अफ्रीका हुआ तो ये जो यहाँ पे छोटा सा डॉट दिख रहा है ना यही क्या है जिब्राल्टर जलसंधि फोटो में लिख रहा हुआ बहुत कम है पर उतना कम भी नहीं है एक बड़ा सा जहाज़ जो है सिप जो है वो आसानी से जा सकता है तो इसी का नाम है जिब्राल्टर जलसंधि प्रश्न ये आ जाएगा जिब्राल्टर जलसंधि के दोनों साइड कौन सा देश पड़ता है तो यहाँ पे पड़ता है स्पेन और इस साइड कौन है मोरक्को स्पेन और मोरक्को इसी के बीच मैंने जिक्र किया था विवाद पड़ता है और याद रखिएगा ये जिब्राल्टर जल संधि है ना इस पर अधिकार किसका है इस पर अधिकार किसका है ब्रिटेन का है इस पर अधिकार किसका है ब्रिटेन का है हम एक अलग मैप में आपको अच्छे से दिखा देंगे हालांकि यूरोप का जब मैप पढ़े थे तो हम काफी अच्छे से आप लोगों को दिखाए हुए थे तो याद रखिएगा जिब्राल्टर जल संधि पर अधिकार किसका चलता है तो ब्रिटेन का चलता है पर इस दोनों के साइड में कौन सा कंट्री आता है तो स्पेन और मोरक्को आता है यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है तो यही करता है जिब्राल्टर जल संधि ओके और ये बीच में जो आपको सी दिख रहा है यह है मेडिटेरियन सी एशिया को यूरोप से अफ्रीका को कौन अलग करता है एशिया को अफ्रीका से अलग करता है रेड सी रेड सी ये सारा याद रखना बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है और पूछा जाता है इसके पूरब में हिंद महासागर है पूरब इस साइड हुआ इंडियन ओशियन इसके पूर्व में क्या है हिंद महासागर है और पश्चिम में क्या है साउथ एटलांटिक सी साउथ एटलांटिक महासागर या एटलांटिक महासागर भी याद रखोगे काम चल जाएगा नीचे की बात करें दक्षिण के साइड में तो वहाँ भी क्या है इंडियन ओशियन ही पड़ता है यानी हिंद महासागर अब आगे मतलब अगर पूरा ओवरऑल पूछा जाए कि अफ्रीका को कौन सा दो ओशियन जो है वो घेरा हुआ है तो इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर और अटलांटिक ओशियन यानी अटलांटिक महासागर अफ्रीका के बारे में बात करें तो यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों इमेजनरी लाइन जिसे हम लोग कहते हैं ये ऊपर वाला होता है कर्क रेखा कर्क रेखा यह होता है मकर रेखा और यह होता है विश्वत रेखा अगर इंग्लिश में बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ट्रॉपिक ऑफ कॉपिकॉर्न होता है और ये तो इक्वेटर होता है तो ये तीनों रेखा जो होता है किस कॉन्टिनेंट से होकर गुजरता है तो आपका आंसर हो जाना चाहिए अफ्रीका बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये तीनों रेखा किससे होकर गुजरता है तो अफ्रीका से होकर गुजरता है अगर आप लोग चाहते हो किसी हायर एग्जाम की तैयारी करना तो आप लोग ये भी याद कर लेना कि ये तीनों लाइन जो है कौन कौन से कंट्री से होकर गुजरता है ठीक ना क्योंकि वो भी पूछा जाता है और उससे भी अगर अधिक मतलब यूपीएससी सब की तैयारी करते हो तो आपको एक मतलब असेंडिंग वाइज मतलब इस साइड कौन सा कंट्री है ऐसे करके भी याद करना पड़ेगा ठीक ना ये सब पूछा गया प्रश्न है इसीलिए मैं ऐसा नहीं लग रहा हूं कि डिफिकल्ट करके मैं बता रहा हूँ जो पूछा जाता है मैं वही बता रहा हूँ ठीक ना आगे यहाँ पे दिया गया अफ्रीका के बारे में कि अफ्रीका की जो सबसे बड़ी झील है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो है वो विक्टोरिया से होकर विश्वत रेखा गुजरती है और इसे विश्व की सबसे लंबी नील नदी निकलती है विश्व की सबसे लंबी नदी ये जो नील नदी है ना ये मतलब ये हुआ कि यहाँ जो आप रवांडा के राइट में यहाँ पे आप दिख रहे हो मतलब केनिया रवांडा तंजानिया के बीच में ये जो लेक है ना ये क्या है लेक ऑफ विक्टोरिया है बहुत बड़ी लेक है अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है यही लेक बैक्टीरिया तो यहाँ से होकर निकलता हुआ ये जो नील नदी है ना नाम इसका अलग अलग है ब्लू नील व्हाइट नील नील ऐसे ही नाम है और ये कहाँ गिरता है मेडिटेरियन सी में यानी भूमध्य सागर में जाकर ये गिर जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आएगा दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो नील नदी है वो कहाँ गिरती है तो भूमध्य सागर में गिरती है यानी मेडिटेरियन सी में गिरती है निकलती कहाँ से है लेक वक्टीरिया से वैक्ट अभी पता नहीं बैक्टीरिया वैक्टरिया नाम प्यारा है ये विक्टोरिया से होकर निकलती है और कहाँ गिरती है भूमध्य सागर में जाकर गिरती है बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा ये भी याद रख लेना कौन कौन से कंट्री से होकर गुजरता है तो ये इजिप्ट है यहाँ पे ये रहो सूडान सूडान काफ़ी बड़ा हुआ यहाँ पे युगांडा और ये केनिया के बगल से होकर गुजरता है ठीक ना ये तीन देश से होकर ये चला जाता है मेडिटेरियन सी में नील नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर जो है वो काहिरा है काहिरा सबसे बड़ा शहर है जो नील नदी के तट पर बसा हुआ है यहाँ पे मैप में दिखाया गया है कि यह है लेक वैक्टूरिया तो याद रखिएगा और साथ ही नील नदी की लंबाई कितनी है तो वो छियासठ सौ पचास किलोमीटर अगर कंपेरिजन करें गंगा नदी से तो गंगा नदी अपना पच्चीस सौ पच्चीस किलोमीटर है तो इसका अप्रॉक्स हम कह सकते हैं ढाई गुना के आसपास है ठीक ना तो काफ़ी बड़ा है नील नदी अब आगे आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसका मैंने स्टार्टिंग में ही जिक्र किया था कि ये जो सिंह की तरह बन जाता है ना अफ्रीका में इसे ही क्या कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है ये इस साइड होता है और ऊपर में क्या होता है नॉर्थ होता है तो ये इस ही हुआ इसमें मुख्य रूप से इथोपिया यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इथोपिया ये है शुमालिया ठीक ना और जिबूती यहाँ पे थोड़ा सा जिबूती है ठीक ना ये सब मिलके क्या बनाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका काफी इंपोर्टेंट हो याद रखना क्योंकि यहां पे जो कभी कभी सिप फंस जाता है ना तो इधर से होके सारा ट्रेड एशिया में आता है राइट तो यहां पे सारा कंट्री ये जिबूती है ना यहां पे सारा कंट्री चाहता है जैसे कि अमेरिका हुआ ये चाइना हुआ इंडिया भी चाहता है कि यहां पे कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिल जाए जिससे हम अपना आर्मी डिप्लॉय कर सके इससे क्या होता है कि मान लो अगर हमको पाकिस्तान से झगड़ा हुआ तो पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो अफगानिस्तान का तो अगर कम लेकिन उस साइड जो भी कंट्री म्यांमार हो उस सब का जो फ्यूल होगा ना वो इसी से होकर जाता है तो यहां पे वो क्या कर सकता है अगर ब्लॉकेज कर देगा तो आगे आयात निर्यात सब कुछ बंद हो जाता है तो ये काफ़ी स्टैटिक दृष्टिकोण से मतलब किसी भी कंट्री पर प्रेशर बनाने के लिए ये काफी मतलब प्राइम लोकेशन इसको कहा जाता है क्योंकि मान लो अगर इंडिया का ही फ्यूल यहां से बंद कर दिया जाए तो इंडिया में फ्यूल जाना बंद हो जाएगा तो किसी भी कंट्री के साथ ऐसा हो हो सकता है तो बहुत सारा देश जो भी डेवलप आप सुनते हो ना फ्रांस अमेरिका सबका यहां पे आइलैंड है सब ने यहां पे परचेज कर लिया है सोमालिया से हो या जिबूती से हो तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम दृष्टिकोण से कुछ भी न्यूज में आता है तो आपसे ये प्रश्न आ ही जाएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सा देश आता है तो यहाँ पर मैंने काफी बड़ा मैप लिया हुआ है यहाँ पे देख लो जिबोती है यहाँ पेरीटेरिया है सूडान इथोपिया सोमालिया केनिया युगांडा ये सब मिला के हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है और इस साइड जो है ये कौन सा है यमन है सऊदी अरब है और ओमान है आगे आते हैं जो वहाँ की जनजाति है वो मेनली क्या करता है जो भी मतलब जो विजिटर होते हैं ना जिसको अफ्रीका घूमना है तो उनके साथ ये लोग उनको अफ्रीका घुमा देते हैं इनके बारे में याद रखिएगा तोड़ेगा जनजाति के बारे में तो अफ्रीका में बुस्मैन पिग्मी मतलब पिग्मी जो जनजाति है वह वो, वो कांगोवेसी या कांगोवेसी में मिलेगा बुशमैन जो है कालाहारी में मिलेगा वधु सहारा मरुस्थल में मिलेगा ये एक आदिम जनजाति है सहारा में पाई जाने वाली तुआरेगा जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का, का काम करती है तो आप तुआरेगा के बारे में याद रखिएगा ये कहाँ पाया जाता है तो सहारा जो मरुस्थल है दुनिया का सबसे बड़ा वहाँ पाया जाता है और ये विदेशी पर्यटकों को मार्गदर्शन का काम करती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथ ही ये न्यूज जो है ना विश्व मौसम विज्ञान तो इसमें मैं आपको थोड़ा एक चीज़ बता देता देखो ये आप जितना भी बुक देखो गूगल देखो मैं काफी कंफ्यूज कर जाता हूँ तो मैंने जहां से मुझे सोर्स मिला मैंने अच्छे से कंप्लीट किया ताकि आप लोगों को जो कंफ्यूजन होता है ना उसको दूर कर पाऊ देखो यहाँ पे लिखा क्या है तेरह दिसंबर दो हजार बारह को विश्व मौसम संगठन ने करीब नब्बे वर्षों से चले आ रहे अल अजीजिया के अधिकतम तापमान अंठावन डिग्री सेल्सियस है उसका रिकॉर्ड निरस्त कर दिया मतलब बात यह है कि उन्नीस ईस्वी में मतलब टेम्परेचर मापा गया था लीबिया का तो सबसे अधिक टेम्परेचर वहां पे 58 डिग्री सेल्सियस आया हुआ था राइट कहीं कहीं आपको 58.7 या कुछ ऐसा मिल जाए तो वो छोड़ दो 58 याद रखो ठीक ना तो ये 2012 में उसको निरस्त कर दिया ठीक तो अब अगर वर्तमान में पूछे सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो आपको लग, गर्त घाटी है ठीक ना डेड सीज को कहते हैं कैलिफोर्निया का वो हो जाता है इसका टेम्परेचर कितना है छप्पन दशमलव सात डिग्री सेल्सियस अगर हम बात करें तो ये अभी कम है ठीक और ये 10 जुलाई 2013 के बाद जो है ये आपको करना पड़ेगा ठीक सबसे गर्म जगह कौन सा है मृत घाटी कैलिफोर्निया वाला ये मृत घाटी डेड सीज जिसको कहा जाता है अब आपके मन में एक प्रश्न सबके मन में आएगा कि पहले अंठावन था अब छप्पन है तो गर्म तो यही हुआ ना देखो नहीं उन्नीस के बाद यहाँ पे ऐसा फिर हुआ नहीं कि अंठावन डिग्री चला गया हो कम ही रहता था टेम्परेचर इसीलिए उसको चेंज करके और जो भी जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है ना वो मेनली दस वर्ष के लिए ही होता है ठीक ना जैसे अभी हम लोग पढ़ते हुए कि कहीं का कुछ जो जैसे जी आई टैग दिया जाता है चाहे हल्दी हो या फिर कड़क मुर्गा हो मध्य प्रदेश वाला जो भी हो तो उसको दस वर्ष के लिए ही जी टैग दिया जाता है तो ये जो कोई लोकेशन होता है ना उसका भी अब हंड्रेड ईयर कंप्लीट होने वाला था तो इसीलिए क्या हुआ फिर से उसका मतलब मेजर किया गया और जो सबसे अधिक टेम्परेचर सबसे अधिक गर्म था कैलिफोर्निया का मृत घाटी यूएसए का उसको कर दिया गया हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड जो कि 56.7 डिग्री सेल्सियस है बहुत सारे जगह पे आपको यहाँ पे 1913 मिलेगा चाहे आप लुसेंट का बुक ले लो क्राउन का ले लो अड़िहंत का ले लो इस समय आपको यहाँ पे 1913 मिलेगा ठीक ना कोई रीजन भी नहीं दिया गया एक दो और फैक्ट मैं बता देता हूँ जो आपको बुक में गलत मिलेगा एक होता है कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट सेंटेंस को फिर से समझो कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट फिर से रिपीट करता हूं कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट ये किसको कहा जाता है तो आपको मिलेगा अफ्रीका अफ्रीका लेकिन मैं भी अभी अफ्रीका ही बताने वाला था पर मैं कंट्रास्ट का मीनिंग सोचा कि नेट पे सर्च कर लो. तो कंट्रास्ट ना होता है हाईएस्ट ठीक है ना हाईएस्ट अगर पूछे जाए सबसे हाईएस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है तो आपका आंसर होता है एशिया ठीक ना फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट कौन सा है तो एशिया होता है पर पता नहीं बुक में जो है वो अफ्रीका दिया गया है एग्जाम में आपको आए तो एशिया टिक करना क्योंकि बहुत सारा आजकल जो करेंट या सॉरी क्वेश्चन पूछा जाता है बुक में गलत है नेट वाला आंसर माना जाता है जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ दूँ वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ है अगर आप बुक पढ़ेगे तो उन्नीस टिक करोगे ठीक है ना लेकिन आप नेट पे देखो 1944 है और वही आपका सही आंसर होता है एग्जाम में तो इन सब तथ्यों को थोड़ा ध्यान से देखना और एग्जाम में टिक करना है आगे आपका देखते रिवर नदी एक तो पढ़ लिया कि नील नदी यहां से, निकलता है, लेक से निकल के और तो अफ्रीका की कांगो नदी जो है विश्वत रेखा और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है अब यहाँ पे यह है कांगो रिवर ये जो दिख रहा है कांगो रिवर और ये है आपका विश्व रेखा इक्वेटर लाइन तो इसको ये क्या करता है दो बार काटता है और वही अगर बात करें मकर रेखा इसके आसपास से गुजरता है ठीक ना तो यहां पे ये जो लिम्पोपो रिवर है ये मकर रेखा को यानी ट्रॉपिक ऑफ कोपिकोर्न को दो बार काटती है तो ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेवरा और जिराफ जानवरों के लिए प्रसिद्ध है मतलब अफ्रीका में आपको जेब्रा और जिराफ मिल जाएगा कहां पे ट्रांसवाल में अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास का मैदान वेल्ड कहलाता है प्रश्न ऐसे आएगा सवाना क्या है तो ये अफ्रीका के उष्ण घास का मैदान है जबकि वेल्ड क्या है तो शीतोष्ण घास का मैदान है अच्छा से एक प्रश्न आप बताओ ऑस्ट्रेलिया का जो घास का मैदान है उसे क्या कहा जाता है नाम मिलता जुलता इसी से तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है फिर हम आगे पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया तब वहां पे आपका सारा क्लियर हो जाएगा अब आगे नदी के बाद हम पढ़ेंगे स्वेज कैनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्वेज कैनल तो अगर मैप में बात करें तो यहाँ पे आपको बड़ा सा दिख रहा होगा पर यहाँ पे देखो ये एशिया का पार्ट है गल्फ कंट्रीज यहाँ पे है और यहाँ पे इजिप्ट आपको दिख रहा होगा इसके बीच में यहाँ पे जो अभी फाइट हो रही है इसराइल ठीक ना और ये जो आपका लाइन दिख रहा है ना ये थोड़ा पेन अगर मैं चेंज कर लूँ तो ये रेड सी और यहाँ पे मेडिटेरियन सी इसको इसके थ्रू जोड़ा जाता है ठीक ना ये जो पतला सा लाइन दिख रहे हो ना ये यही क्या है स्वेज कैनल ये इसमें पतला दिख रहा है अगर आप जूम करोगे तो काफी ये बड़ा है मतलब काफी बड़ा तो नहीं कि मतलब दस पंद्रह जहाज एक साथ चला जाए पर हाँ दो जहाज एक साथ जा सकता है इतना बड़ा है ये तो ये स्वेज कैनल कहाँ पे है तो इजिप्ट में पड़ता है ये और सी और सी को जोड़ता है इसको नहीं भूलना बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay? इसका निर्माण जो है अठारह सौ उनहत्तर ईस्वी में किया गया था जिससे यूरोप से भारत आने में सात हजार किलोमीटर की दूरी बचत हो जाती है उससे पहले क्या होता था ना पूरा घूम के आना पड़ता था घूम के आने से मतलब है कि अगर मैं वर्ल्ड मैप आपको दिखाऊं वन मिनट अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखाऊं तो पहले यूरोप से जो है ना ऐसे आना पड़ता था आ, या तो ऐसे आएगा यानी तो ऊपर से आने का को कोई चांस ही नहीं बर्फ जम जाता है ऊपर से नहीं आ सकता है तो नीचे से आता था यानी तो एक सिल्क रोड हुआ करता था जिससे काफी टाइम लगता था देश के होते हुए आना पड़ता था तो ये बन जाने से क्या हुआ डायरेक्ट आ गया उसी प्रकार जैसे हम पनामा कैनल पढ़े हुए थे तो अगर इधर आना होता था या तो आप इधर से आ जाओ नहीं तो अगर जिस मान लो पेरू है पेरू वाले आदमी को अगर इंडिया आना है तो वो और समझो ब्राज़ील से झगड़ा हो गया है तो वो क्या करेगा ये पूरा नीचे से ऐसे आना पड़ता था और उसका रीज़न क्या होता था कि ठंडे के टाइम में नीचे वाला रास्ता जो है ना और ऊपर वाला रास्ता पूरा बर्फ हो जाता था समुद्र जम जाता था तो वो नहीं हो पाता था तो फिर वो आप पनामा कैनल बना और इसके थ्रू वो आसानी से आ जा सकता है ठीक ना दोस्तों इसीलिए स्वेज कैनल मेनली इजिप्ट के द्वारा बनाया गया था इजिप्ट के जो टाइम में महाराज हुआ करते होंगे उनके द्वारा बनाया गया था आपको याद रखना है कि वो कब बनाया गया था तो वो बनाया गया था 1869 में इसके 100 साल के बाद अपना इसरो का स्थापना हुआ था ठीक ना अब देखो यहाँ पे दिया गया इसकी लंबाई जो है वो एक किलोमीटर है मतलब ये जो स्वेज कैनल है इसकी लंबाई कितनी है 168 किलोमीटर मिस्र द्वारा 1956 में इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया स्वेज नहर की दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज एवं उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद नामक पतन है यहां पे एक यहां पे आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि कुछ देर मैंने पहले कहा था कि एक है जिब्राल्टर जल संधि और यहां मैं कह रहा हूं नहर दोनों में अंतर क्या है क्योंकि दोनों तो जोड़ता ही है जैसे मैंने कहा पनामा कैनल बोला था यानी नहर बोला था उसको और जिब्राल्टर जलसंधि एशिया और यूरोप को अलग करता है वैसे भी स्वेज नहर तो ये अफ्रीका को और एशिया को अलग करता है कह सकते हैं तो देखो नहर वो होता है ना जो मेन मेड हो जिसको लोगों ने बनाया है जो आर्टिफिशियली मतलब जो बनाया गया है उसे हम क्या कहते हैं नहर कहते हैं और जो नेचुरली पहले से बना हुआ है उसे हम कहते हैं जलसंधि ठीक ना उसे हम क्या कहते हैं जलसंधि जैसे जिब्राल्टर जल संधि है मेडिटेरियन सी के पास है एक उसको इंग्लिश में स्ट्रीट कहा जाता है स्ट्रीट जैसे पढ़े हुए पाक स्ट्रीट जो श्रीलंका और इंडिया के बीच है पाक स्ट्रीट तो वहां पे स्ट्रीट यूज होता है जो कि क्या है नेचुरल है और जो पर मतलब बनाया गया है ना उसको हम क्या कहते हैं कैनल कहते हैं तो बहुत बार ये प्रश्न आ गया है तो याद रखना इसको अब अफ्रीका के बारे में है कि अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है केप काहिरा रेल मार्ग है अगर पूछे दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है तो ट्रांस साइबेरियन है जो कि यूरोप में मतलब बेली रशिया में चलता है यूरोप के पार्ट से शुरू होता है और साइबेरियन रशिया तक जाता है मतलब एशिया के पार्ट तक जाता है ट्रांस साइवेरियन रेलमार्ग लेकिन वही अफ्रीका का कौन सा है केप काहिरा रेलमार्ग केप काहिरा रेलमार्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के कैप्टॉन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाता है काफी मतलब नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक जाता है ये अफ्रीका के मरुस्थल में शुत्रमुर्ग नामक पक्षी भी आपको मिलेगा जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले खान वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से ओढ़ापा में पड़ता है विश्व का सबसे बड़ा हीरे का खान है हीरे का खान है और वहीं पे सबसे विशाल हीरा जो है इकतीस सौ का यानी कैरेट का मतलब हीरा मिला था किम्बरले खान में तो किम्बरले खान जो है दुनिया का सबसे बड़ा हीरे का खान है स्थल के नाम पे तो फेमस ही है सहारा मरुस्थल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कहाँ पाया जाता है तो अफ्रीका में है इसका जो क्षेत्रफल अगर बात करें तो चौरासी लाख वर्ग किलोमीटर है किसी किसी कंट्री का कंट्री क्या हाँ कंट्री का ही कह सकते हैं तो नहीं कह सकते इतना एरिया होगा भी नहीं चौरासी लाख वर्ग किलोमीटर चाड झील इस मरुस्थल की स्थित मुख्य झील है यहाँ पे चाड झील जो है वो सहारा मरुस्थल में ही पड़ता है दक्षिणी अफ्रीका में कालाहाड़ी मरुस्थल भी है यहाँ पे जो आपका दिख रहा होगा ये कालाहाड़ी डिजार्ट है और यहाँ पे आपका दक्षिण अफ्रीका कंट्री है जिक्र किए हुए थे तो कालाहाड़ी कहाँ पे है दक्षिण अफ्रीका में है जबकि सहारा जो है यहाँ पे इजिप्ट ये इस सब कंट्री के आसपास पड़ता है अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे ये इतना बड़ा एरिया जो है ना वो है सहारा मरुस्थल तो जैसे लिबिया हुआ इजिप्ट हुआ चाट यहीं पर चाट वो लेख भी मिलता है नाइजर है माली अल्जीरिया मुकटेनिया ये सब में क्या पड़ता है सहारा डिजार्ट पड़ता है अच्छा एक चीज बताओगे जैसे आ, अभी जहाँ पे सारा मरुस्थल है ना बहुत पहले वहाँ पे एक बहुत बड़ी रिवर बहती थी रिवर उस रिवर का नाम क्या है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ठीक ना अब यह माउंटेन दिया गया है मैं जब ऑस्ट्रेलिया पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा इसका आंसर आगे है टेफी लालेट मरुस्थल सॉरी मरु है जिसका क्षेत्रफल क्या है तेरासी तेरह हजार है ये मोरक्को में स्थित है एटलस पर्वत अब आगे जो है ना वो एक मतलब तो वन लाइनर फैक्ट दिया गया है जो इसमें मैंने समोहित मतलब समाहित नहीं किया उसको यहाँ पे दिया गया है तो एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है एटलस पर्वत यह अल्जीरिया टूनेशिया और मोरक्को में पच्चीस किलोमीटर लंबाई पर विस्तृत यह एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है नवीन वलित पर्वत जिसको मॉडर्न फोल्ड माउंटेन जिसका उदाहरण हिमालय भी है और ये भी क्या है एटलस माउंटेन भी इसी का उदाहरण है यह क्या होगा और बढ़ेगा अभी ठीक ना इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो माउंट बकल है माउंट पकल जो दक्षिण पश्चिम ओडाको में स्थित है एविसिन पठार अफ्रीका उत्तरी पूर्वी भाग जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका स्थित आर्कियन युग की संरचना है यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है यह पहाड़ कहाँ रूप से है तो इथोपिया में स्थित है एविनीसिया इथोपिया के पूर्व नाम इसी पठार के नाम पर पड़ा था इथोपिया का पहले नाम क्या था एविनीसिया दक्षिण अफ्रीका के जोहान वर्ग को स्वर्ण नगर और किम्बरले को हीरे का नगर कहा जाता है क्योंकि किम्बरले में आपको हीरे का खान मिलेगा और जो जोहान स्वर्ग है वहाँ पे सोने का खान मिलेगा दक्षिण अफ्रीका विश्व का 90 प्रतिशत क्रोमियम का उत्पादन करता है दक्षिण अफ्रीका के न्यायिक राजधानी जो है वो बोलम है बोलम फांटेन पे तीन सारा राजधानी है दक्षिण अफ्रीका का अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश जो है वो कीनिया है और यहाँ पे केनिया पे जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है नैरोबी भी केनिया की राजधानी में ही है अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादन करने वाला देश जो है वो टूनिशिया है टूनिशिया एस्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर और बैक्टीरिया प्रपात जांग वेजिनी नदी पर स्थित है नील नदी का उद्गम स्थल बैक्टीरिया झील है काफी इंपॉर्टेंट है बहुत बार जिक्र किया है अभी तक आसवन बांध नील नदी पर बना हुआ है मध्य अफ्रीका में बहने वाला जायरा नदी भारी मात्रा में जल लाकर अंटार्कटिका महासागर में गिरा देता है ये याद रखिएगा सबसे अधिक जल भंडारित कौन सा नदी करता है जयरे नदी इसे उसके अंतिम भाग कांगो के नाम से जाना जाता है जहाँ पे वो गिरता है अटलांटिक महासागर में गिरता है वहाँ पे इसको क्या कहा जाता है कांगो नाम से जाना जाता है जाम्बिया के जेम्बेजी नदी पर निर्मित कारिवा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश गेवान देखो ये मैं कह रहा था जो भूमध्य रेखा रेखाएन इक्वेटर है उस पर कौन कौन सा कंट्री आता है तो इसका नाम आपको याद करना पड़ेगा साथ ही अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कर्क -कर रेखा मकर रेखा पर जो है उसको भी ऐसे ही मतलब एक लाइन से याद करना पड़ेगा जैसे कि गोबोन है कांगो गणतंत्र युगांडा डाकिनिया और सोमालिया ये सारे जो देश हैं टोटल पाँच देश हैं जो कर्क रेखा पर सॉरी भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पर होकर गुजरता है अफ्रीका के कुछ प्रमुख दिया गया है जिसमें कि अफ्रीका का जो प्रमुख खजूर उत्पादक देश है वो मिस्र है मिस्र का किसान फेल्ला कहलाता है फेल्ला गोल्ड कोस्ट नाम से जाना जाने वाला देश घाना है याद रखिये गोल्ड कोस्ट जो है एक आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा जहाँ पे एशियन गेम हुआ था गोल्ड कोस्टा में तो एक गोल्ड कोस्ट यहाँ पे घाना में है दोनों अलग अलग है अफ्रीका के सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है अफ्रीका को अंध अफ्री मतलब महाद्वीप या ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि आर्थिक सामाजिक औद्योगिक संस्कृति और शिक्षा में काफी पिछड़ा हुआ है अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो नाइजीरिया है नाइजीरिया अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है इस महाद्वीप से नाइजर नदी को नाइजर नदी को पोंम तेल की नदी भी कहा जाता है इजिप्ट को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जनसन कहा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट इजिप्ट जो पहले इसका नाम मिस्र हुआ करता था इजिप्ट की राजधानी अब कैरो है इसे एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंसन कहा जाता है परंतु यह है कहाँ पर अफ्रीका में अफ्रिका है अफ्रीका की एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे अगर कर्क और मकर रेखा दोनों गुजरती है अब दोनों गुजरेगा तो जाहिर सी बात भूमध्य रेखा भी गुजरता ही है कांगो देश को बनो का देश कहा जाता है विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है मतलब फ्यूचर में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होगा उसका संभावना सबसे अधिक यही है क्योंकि यहीं पर क्या है दुनिया की सबसे बड़ी नदी यहीं पर बहती है किली के, के पूर्व ढलानों पर कहवा की कृषि छग्का जनजाति भी पाई जाती है अब नोट में दिया गया है कि दक्षिणी सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है जो यूनाइटेड नेशन का एक सौ तिरानवा मेंबर बना 2011 में ठीक ना तो काफी इंपोर्टेंट है जिसकी राजधानी क्या है जुआ है किसकी दक्षिणी सूडान की और ये काफी पिछड़ा भी देश है सबसे आप देखते होगे कि जो भी इंडेक्स आता है वो सबसे नीचे होता है दक्षिणी सूडान लेकिन ये एक सौ मेंबर है यूएनओ का तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दो में ये शामिल हुआ था जिसकी राजधानी क्या है जुबा है तो आज मैंने अफ्रीका पूरी तरह से कंप्लीट किया सेशन आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर मेरे भाई जरूर कर देना और नहीं पसंद आया हो डिसलाइक भी कर सकते हो पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इंप्रूव कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं टायरलेस कुमार और ज्योग्राफी के सीरीज़ में एशिया यूरोप हमने कंप्लीट कर लिया था आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ध्यान से देखिएगा इसमें हम आपका अच्छी तरह से मैप प्रैक्टिस भी करवाने का कोशिश करेंगे जिससे आपको मैथ के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आए नॉर्थ अमेरिका को लेके तो आप उसको डील कर पाओगे तो पहले हम एक देखते हैं मानचित्र जिसमें देखते हैं इंडिया के प्रपेक्ष में नॉर्थ अमेरिका किधर है तो यहाँ पे आपको रेड कर्सर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है बहुत विशाल सा कॉन्टिनेंट एशिया और यहाँ पे यह हमारा प्यारा भारत इंडिया याद रखिए गल्फ कंट्री भी जो है वो भी एशिया में ही आता है हम लोगों ने पढ़ा है और इधर अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका दूसरे मैप में और अच्छे से देखते हैं नॉर्थ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका के साउथ में आएगा साउथ अमेरिका ईस्ट में आता है यूरोप वेस्ट में आता है एशिया समझो सही से यूरोप और बीच से कट कर दो तो ये वाला पार्ट कहाँ आ गया एशिया आ गया तो एशिया यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका और ऊपर क्या आएगा आर्कटिक सर्किल यहाँ पे है बेरिन जल संधि जो कि प्रश्न पूछा गया था एनटीपीसी में इस बार भी कई शिफ्ट में पूछा गया यहाँ जो अलास्का है अलास्का और रसिया वाले पार्ट को कौन अलग करता है तो बेरिंग जल संधि यहीं से इंटरनेशनल टाइम जोन भी जाता है तो याद रखिएगा और ये कहाँ पे है तो इस साइड इसके अटलांटिक ओशियन पड़ता है और पश्चिम साइड पेसिफिक ओशियन और ऊपर में बड़ा सा क्या है आर्कटिक ओशियन रिपीट करता हूँ ऊपर में आर्कटिक ओशियन नीचे में इस साइड पश्चिम साइड है पेसिफिक और पूरब साइड में अटलांटिक ओशियन क्लियर है और यहाँ पे साउथ अमेरिका के साथ जो ये आपको दिख रहा होगा पतला सा लाइन ये है पनामा कैनल या पनामा शहर पनामा सिटी तो ये जोड़ता है उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से यहाँ पे कंट्री का मैप दिया गया है आगे हम काफ़ी अच्छे से और मैप कलेक्ट किए हुए हैं ताकि आपको और अच्छे से बताया जा सके यहाँ पर देखो जो मुख्य देश हैं नॉर्थ अमेरिका के जिसमें कनाडा सबसे ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा कनाडा यहाँ पे ग्रीन लैंड ग्रीनलैंड यह रसिया का थोड़ा पार्ट है यूनाइटेड स्टेट याद रखिएगा रसिया ऐसा नहीं कि वो इसमें आ गया है रसिया एशिया में ही आता है ओके यूनाइटेड स्टेट यह आप देख रहे हो कि दुनिया का सबसे लंबा बाउंड्री दो देशों के बीच का बाउंड्री जो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के बीच है यानी अमेरिका के बीच दुनिया का सबसे बड़ा बाउंड्री है अलास्का जो है वो यूएसए के अधीन आता है जबकि ग्रीनलैंड जो है वो किसके अधीन आता है डेनमार्क का जिसका राजधानी कोपेनहेगेन होता है नीचे में मेक्सिको है मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है याद रखना है आप लोगों को और ये है बड़ा सा गल्फ ऑफ मेक्सिको गल्फ ऑफ मेक्सिको कहाँ पड़ता है तो ये पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में ओके और यहाँ पे कुछ कुछ छोटा छोटा देश है उसको हम आगे जो जो आता रहेगा उसको हम डील करते जाएंगे अब आते हैं फैक्ट पे देखिए उत्तरी अमेरिका के बारे में लिखा गया है कि यह विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है पहले स्थान पे कौन था एशिया था दूसरे स्थान पे अफ्रीका है तीसरे स्थान पे नॉर्थ अमेरिका हम तीसरे नंबर पे हैं नॉर्थ अमेरिका ये विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है इसका क्षेत्रफल चौबीस कैसे करें इसको हम थाउजेंट यहाँ पे हो जाएगा लाख ये हो जाएगा करोड़ चौबीस करोड़ पच्चीस लाख पचास चौबीस करोड़ पच्चीस लाख पचास नहीं इसके क्षेत्रफल की बात करें तो हो जाएगा दो करोड़ बयालीस लाख पचपन हजार वर्ग किलोमीटर उत्तरी अमेरिका मध्य अमेरिका एवं कैरेबियन सागरीय क्षेत्र में कुल २९ देश हैं मतलब ओवरऑल अगर हम कहें तो उनतीस देश आता है नॉर्थ अमेरिका में कितने देश उनतीस देश सबसे अधिक कंट्री किसमें आता है तो आपको टिक करना होगा अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे अधिक देश आता है अतः इसे नई दुनिया कहा जाता है उत्तरी अमेरिका को ही नई दुनिया कहा जाता है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है यहाँ जो लाइन दिया गया है एक सौ नंबर का जो मेरिडियन है वो कहाँ से गुजरता है तो नॉर्थ अमेरिका के मध्य से गुजरता है ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि एक सौ डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरेगा तो यू के मध्य से गुजरता है यानी नॉर्थ अमेरिका के मध्य से गुजरता है अब अमेरिका के खोजकर्ता कौन है तो कोलंबस हैं कोलंबस जैसे इंडिया के खोजकर्ता वास्को डिगामा हैं वैसे कोलंबस ने क्या किया था अमेरिका का खोज किया था ये पुर्तगाल के ही थे यूरोप के ही थे यहाँ से इनका रूट दिखाया गया है यहाँ से ये यह निकले थे और कई लोग तो इसमें फंस गए थे जो ग्रीन वाला आप दिख रहे होंगे ये गल्फ ऑफ मेक्सिको जो है ना जिब्राल्टा यहीं पे तो वो फंस जाते हैं यहाँ पे लोग लेकिन जो कोलंबस थे वो पहुंच पाए थे और कब इन्होंने खोज किया था चौदह में ये इनका जहाज का है चौदह में ये गए हुए थे नॉर्थ अमेरिका को खोजे हुए थे नाम याद रखिएगा ये मैंने इसीलिए फ़ोटो भी लगा दिया है कोलंबस का आगे मैं जिक्र कर रहा था पनामा नहर का पनामा कैनल जो कि मैप में मैंने दिखाया था कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है अगर आप इस मैप को ध्यान से देखे होगे इस वाले मैप को तो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कौन जोड़ता है तो यहाँ पे है पनामा कैनल पनामा कैनल अब उसी की हम बात कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है पनामा कैनल पनामा की राजधानी पनामा सिटी ही है और ये पेपर लिख काफ़ी न्यूज़ में था तो उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिको बेसपुसी नामक साहसी यात्री के नाम पर पड़ा था जो अमेरिका नाम पड़ा है पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये इसको याद रख लेना है जिससे आंध महासागर और प्रशांत महासागर के बीच जहाजों का यातायात सुगम या हो या फिर पतला साहब को दिख रहा होगा इससे होकर क्या है जहाज आर पार जा सकता है नहीं तो जहाज़ को आरपार जाने के लिए काफ़ी लंबा रूट तय करना पड़ता अगर मैं मैप की बात करूँ तो देखो यहाँ पे अपना प्यारा भारत इंडिया है ग्लोब को हम इधर घुमाते हैं पश्चिम के साइड तो यहाँ साउथ अमेरिका आया और साउथ अमेरिका के ऊपर ये बड़ा सा कॉन्टिनेंट क्या है नॉर्थ अमेरिका ओके अभी हम जा रहे हैं पनामा कैनल पे नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ दिए कर्सर घूम रहा है यही है पनामा कैनल अब इसको थोड़ा हम जूम करते हैं ताकि आप इसको देख पाओ पनामा कैनल यहाँ आपको दिख रहा होगा पनामा ये आपको वन मिनट हम पेन सेलेक्ट कर लें ताकि आप लोगों को और आसानी से हम दिखा पाए ये आपको दिख रहा होगा पनामा ओके okay? और इसी के बीच से एक रास्ता गुजरता है उसको हम कहते हैं पनामा कैनल अगर ये नहीं बना होता तो हमको काफ़ी मशक्क़त से यहाँ से होकर मतलब बीच में एक रास्ता पड़ता है इससे होकर हम इसमें क्रॉस कर पाते थे ब्राज़ील के बीच में यहाँ से एक रास्ता जाता है बलोबिया के आसपास से वहाँ से जाना पड़ता था जो कि काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर करता है अब है नॉर्थ अमेरिका के मूल निवासी उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियन रेड इंडियन एस्किमो और आते हैं जिसमें रेड इंडियन सबसे फेमस है एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है जिसे इग्लू कहते हैं इग्लू का घर जो होता है वो किसका बना होता है बर्फ़ का बना होता है वे रेडियर कुत्ते का उपयोग करते हैं स्लेज गाड़ी खींचने के लिए किस प्रकार के कुत्ते का रेडियर कुत्ते का जो राइड करता है ना वो रेडियर कुत्ते का सील मछली की खाल और हड्डी से नाथ बनाते हैं जिसे कायक कहा जाता है कायक किसे कहा जाता है तो सील मछली के खाल और हड्डी से जो नाथ बनाते हैं उसे ही कायक कहा जाता है इसका हथियार हारपून कहलाता है जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनके हथियार को क्या कहते हैं हारपून तो हारपून एक प्रकार का क्या हो गया हथियार हो गया वहाँ के मूल निवासियों का अब यहाँ के पर्वत शिखर के बारे में अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका का जो सबसे ऊंचा माउंटेन है वो है मैकिनले मैकिनले जिसकी ऊंचाई आज छः मीटर है जो कि अलास्का में है अलास्का का पार्ट मैंने दिखाया था जो बहुत पहले रूस के अधीन आता था और अब आता है यूएसए के अधीन अगर हम इस मैप में अपने बात करें तो ये वाला पार्ट जो है यही है अलास्का अलास्का जहां पे यूएसए का बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्म पोर्ट है जिससे वो ठंडी के टाइम में भी आयात निर्यात कर पाता है और साथ ही अगर हम इसकी ऊंचाई की तुलना करें माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से तो जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है उससे वो 2000 मीटर मीटर कम है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है मतलब एक्टिव है यहां पे उत्तरी पश्चिमी के पूर्वी तट न्यू फॉनलैंड के दक्षिण अमेरिका तटीय भागों में ग्रैंड बैंक कहते हैं यह मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है कौन सा ग्रैंड बैंक ऐसा नहीं समझना कि पैसा जमा होता है वहां पर वो मछली के लिए सबसे उपयुक्त जगह है अब संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट यानी मेक्सिको की खाड़ी आपको दिखाए थे गल्फ ऑफ मेक्सिको में चलने वाले चक्रवात को हेरिकेन और टोर्नेडो कहते हैं प्रश्न आता है कि टोर्नेडो और हरिकेन सबसे अधिक दक्षिणी अमेरिका में कहाँ देखने को मिलता है तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में गल्फ ऑफ मैक्सिको में उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को हम क्या कह लेते हैं प्रेरी कहते हैं प्रेरी <zuni> <ingenourcing> देखो मेरे भाई सिएशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा पूरा उत्कृष्ट लेवल का ज्ञान दिया जाएगा और साथ ही आपको बहुत सारे जगह ये चीज़ पेड में मिलेगा मैं जगह का नाम नहीं लूंगा बस आप लोग समझ जाओ आगे आपका इंपोर्टेंट कंट्री कनाडा कनाडा का मेंट्रियाल जो है वो कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है मैंट्रीऑल याद होगा आप लोगों को कागज के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है सबसे अधिक दुनिया में कागज का उत्पादन कौन करता है तो वो करता है कनाडा नाम नहीं भूलना है इसका कनाडा कनाडा कागज का उत्पादन मेंट्रियोल उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा निर्यातक देश है उत्तरी अमेरिका का वैसे अगर वर्ल्ड में कजाकिस्तान हालांकि अभी टॉप पे चल रहा है पर उत्तरी अमेरिका में कनाडा जो है वो यूरेनियम में टॉप पर चल रहा है विश्व का दूसरा स्थान विश्व में इसका दूसरा स्थान है और वर्ल्ड में पहले स्थान पे कौन है कजाकिस्तान है संसार में सीसे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया यानी कनाडा में है ब्रिटिश कोलंबिया यानी कनाडा में है यहाँ का सुलीवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता का खान है ये कहाँ पर है कनाडा में सूलिवान का खान निर्माण प्रक्रिया में सीसा और जस्ता संबंधित रूप में मिलते हैं इसीलिए इसे जुड़वा खनिज कहा जाता है एक साइंस का प्रश्न आ गया यहाँ से कि जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है तो जस्ता प्लस सीसा और साथ ही ये एक ही खान से मिलता है इसीलिए इसे जुड़वा खनिज कहा जाता है अब दिया गया आगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला देश है दुनिया में सबसे अधिक मक्का उत्पादन कहाँ हो जा रहा है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन जो होता है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है यहाँ आपसे एक प्रश्न है इंडिया में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है किस स्टेट में होता है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा आगे संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य में बूटे की खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है मोंटाना राज्य में संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉइट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है डेट्रोइ रियल में है कहां पे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है और एकॉन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का भी केंद्र है ये सब आपको मिल जाएगा यूएसए कभी घूमने जाओ तो इन सब जगह पर जरूर चले जाना ये अभी नहीं पढ़ना ये मैं आप लोगों को कनाडा का फोटो दिखाना भूल गया कनाडा ये आपको दिख रहा होगा सबसे लंबा बाउंड्री अगर पानी का पूछे तटीय लंबाई तो सबसे बड़ा है कनाडा का क्योंकि देख सकते हो ना हर एक जगह तो इसका तट ही दिख रहा है और इसीलिए यहाँ पे मछली पालन जो है ना काफी अधिक होता है काफी अधिक मछली पालन होता है ग्रीन लैंड को कनाडा से कौन अलग करता है तो लिब्राडोर सी है लिब्राडोर सी थोड़ा लोकेशन याद रखिएगा और यहाँ पे क्या है बेरो फोर्ट सी है बेरो फोर्ट सी और अलास्का के बगल में रशिया को कौन अलग करता है चुकी सी चुकसी सी ये सब तो याद रखिएगा लोकेशन, क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाए ना तो टिक कर पाओ अब और है फैक्टर संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पे है तो न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री याद रखिएगा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तरी अमेरिका में स्थित सुप्रियर झील जो है सबसे बड़ा ताजे पानी का झील है यानी फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा लेक कहाँ पे है तो उत्तरी अमेरिका का सुप्रियर लेक इंडिया का उल्लर लेक जो है जो जम्मू कश्मीर में है साफ पानी का सबसे बड़ा झील है संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी की झील ग्रेट साल्ट लेक है ग्रेट साल्ट लेक सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है संसार का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन बनाता है सेंट लॉरेंस नदी नियाग्रा जलप्रपात ईरी और ओटारियो झील के मध्य स्थित है जो कि कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात तो ये जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था नॉर्थ अमेरिका के बारे में सब कुछ मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है सीशन अगर अच्छा लगा हो और चाहते हैं इसी प्रकार से कंटिन्यू वीडियो आता रहे तो जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट है जिनको लगता है कि उनको भेजना चाहिए तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की उनको जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद दोस्तों आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी ज्योग्राफी में हमारा मेनली टारगेट है मैप प्रैक्टिस का जिसमें हमने अभी तक एशिया यूरोप नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट कर लिया है आज हम पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका तो वीडियो हालांकि अधिक लंबा नहीं होगा पंद्रह से बीस मिनट का होगा पर इसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका के रिगार्डिंग ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं पर अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही अगर अच्छा लगे तो फिर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ओके तो पहले हम मैप में देखना चाहेंगे दक्षिण अमेरिका को तो अगर आप ये वर्ल्ड का मैप देखोगे इंडिया के परपेक्स में अगर हम बात करें तो चलो पहले इस मैप में देखो ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया ओके पेन चेंज कर ले ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा प्यारा भारत इंडिया है इससे आप अगर इधर आए तो ये जो कॉन्टिनेंट है ना यही है साउथ अमेरिका रिपीट कर लो ये एशिया यहाँ पे यूरोप यह है नॉर्थ अमेरिका चौथा हमारा है साउथ अमेरिका फिर यहाँ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और फिर यहां पे अंटार्कटिका ओके अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है गोलार्ध का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे ये ग्लोब बना हुआ है तो अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड करें हालाँकि डिवाइड किया ही गया हुआ है इक्वेटर लाइन जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं ये धरती को बीचों बीच काटता है ओके और अगर हम ऊपर से ऐसे इसको काट दें तो ऊपर हम क्या लिखते हैं नॉर्थ होता है हमारा नीचे क्या होता है साउथ होता है इधर ईस्ट होता है इधर वेस्ट होता है अगर हम गोलार्ध की बात करें दक्षिणी गोलार्ध में है ये मतलब साउथ हेमोस्फेयर में, इस में इसका अधिक पार्ट आता है लेकिन और अच्छे से जैसे इसका होता है ना कि सही से हमको बताओ कहाँ पे है तो हम क्या कहेंगे ईस्ट साउथ में है ईस्ट साउथ में है क्लियर हुआ ये अब देखो यहाँ पे लिखा गया है कि यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है कितने नंबर का है चौथा बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है ब्राजील है ब्राजील इस कंटिनेंट का इस महादेश का सबसे बड़ा देश है साथ ही यहां पे एक चीज आपको और ध्यान रखना होगा ब्राजील जो है हर एक कंट्री को टच करता है ओनली दो कंट्री को टच नहीं करता एक है यहां पे इक्वाडोर और दूसरा है चाइल्ड प्रश्न ये आ जाएगा कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा ऐसा देश है जो लगभग सभी देशों के साथ अपना सीमा शेयर करता है तो वो होता है ब्राजील क्योंकि जितने भी देश है सबके साथ टच करता है ओनली इक्वाडोर और चाइल्ड के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है ओके हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है क्षेत्रफल है एक करोड़ सतहत्तर लाख अंठानवे हजार सौ वर्ग किलोमीटर अब इधर देखो यहाँ पे लिखा है पनामा जल संधि पनामा जल संधि काफी न्यूज में आया था जब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो फंसे हुए थे पनामा पाप पेपर लीक में तब से हो सकता है आप लोग नाम भी सुन लिए होगी पनामा पेपर का तो पे देखो प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है देखो उत्तरी अमेरिका क्या हो गया या पे नॉर्थ अमेरिका है यह है साउथ अमेरिका तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो जोड़ता जो है ना यहाँ जो आप देख रहे हो ये सर्कल मैंने कर दिया इसके बीच में जो यही है पनामा ठीक है ना इसी को कहते हैं पनामा नगर और इसका जो कैपिटल है पनामा सिटी है साथ ही ये प्रशांत महासागर को और अटलांटिक महासागर को मतलब अलग करता है फिर से समझो प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को अलग करता है जबकि जोड़ता किसको किसको है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को क्लियर ये कौन करता है तो पनामा जलसंधि पनामा जलसंधि आगे आते हैं ये क्लियर हुआ होगा आगे यहां पे और फैक्ट दिया गया है इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में टेराडेड प्यूगो टेराडेड प्यूगो नामक द्वीप है जो मुख्य भूमि से मैगलन जलसंधि के द्वारा अलग होता है यहाँ पे ये जो आपको जलसंधि लग रहा है ना जैसे अंटार्कटिका है और यहाँ पे क्या है ये साउथ अमेरिका है इसको जो ये अलग करता है इस जलसंधि का नाम क्या है टेरा टेड प्यूगो टेरा डेड प्यूगो ओके okay? सॉरी ये है मैगलन जलसंधि सॉरी मैगलन जलसंधि मैगलन जल संधि इसका दक्षिणतम सिरा हॉर्न अंतर्द्वीप है इसको हॉर्न कहा जाता है हॉर्न ऑफ सिंह होता है ना ये जो आपको दिख रहा होगा थोड़ा इसको मिरेज कर लेते हैं हॉर्न मतलब क्या होता है सिंह होता है तो ये हॉर्न के फॉर्म में यहाँ पे दिख रहा है इसलिए ये हॉर्न है ठीक ना आप जो अफ्रीका के बारे में पढ़ोगे वहाँ भी आपको जैसे ऐसे करके वहाँ पे अफ्रीका में बना हुआ है तो उसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं सोमालिया वहाँ पे आता है यहाँ पे ऐसे ही हॉर्न ऑफ ये दक्षिण अमेरिका है यहाँ पे सिंह की तरह बना हुआ है दक्षिण अमेरिका देश ब्राजील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर सभी अमेरिकी देशों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है मैंने जिक्र किया ही था कि ब्राजील जो है ये इक्वाडोर और चाइल इसको छोड़कर सभी के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है एक बार हम कौन सा कहां पे क्या कंट्री है एक बार यहां पे रिपीट कर लो क्योंकि आगे आपको यह काम देगा तो यहां पे है बेनेजुला सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा होगा ये क्या है बेनेजुएला जिसकी राजधानी कहां पे है कराकस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर अमेरिका बार बार सेंसन लगाते रहता है और ये ओपेक का मेंबर है ओपेक का तेल निर्यातक देश का जो समूह है उसका मेंबर है बेनेजुला काफी तेल प्रोड्यूस करता है ये इसकी राजधानी है कराकस याद रखना सबसे ऊपर में है ये पनामा यहीं से जुड़ा हुआ है बेनेजुला के पास से ही यहां पे कोलम्बो यहां पे इक्वाडोर पेरू बोलीविया चाइल अर्जेंटीना बड़ा देश है ये भी उरुग्वे ब्राजील और यहाँ पे पड़ागवे है पड़ागवे को पेरू से कंफ्यूज नहीं कर लेना ठीक ना यहाँ पे गुएना है सूरीमेन है और यहाँ पे फ्रेंच गुएना है जहाँ से सेटेलाइट लॉन्चिंग होता है कभी कभी ये आपको याद होना चाहिए और यहाँ पे इंग्लैंड आइलैंड है तो ये सारे देश है आपको थोड़ा बहुत इसका नाम याद रहना चाहिए कहाँ पे क्या है अब यहाँ पे देखो या गया मतलब दिया गया है नदी सिस्टम और कुछ जो फेमस जगह है उसके बारे में तो दक्षिण अमेरिका के पेरू बोलीविया सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील टीटी काका है दुनिया का सबसे ऊंचा झील कौन सा है टीटी काका झील ये आपको मिलता है दक्षिण अमेरिका में यहाँ पे ये जो दिख रहा है मतलब बोलीविया और यहाँ पे पेरू के बाउंड्री पे है कौन सा टीटी काका लेक जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा लेक है जिसकी ऊंचाई अड़तीस मीटर है और यह बोलीविया के पठार पर स्थित है दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली अमेजन नदी घाटी में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से यह प्रथम नदी है इस महादेश की सबसे लंबी नदी है कौन सा अमेजन नदी यहाँ पे ये यह जो आपको नदी दिख रहा है ये थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं ये जो आपको नदी दिख रहा है यही क्या है अमेजन नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है और ये जो पूरा एरिया ऐसे होता है ना इसको कहा जाता है अमेजन बेसिन ये क्या होता है अमेजन बेसिन यह नदी बेसिन ब्राजील के कुछ भाग पेरू के कुछ भाग बोलीविया इक्वाडोर कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे छोटे भागों में ये अपवाहित होती है अप देख रहे होंगे कि ऐसे ऐसे करके हर जगह ये नदी जाती है अगले स्लाइड पे आते हैं आगे यहाँ पे दिया गया अमेजन बेसिन के बारे में मैंने कहा था कि अमेजन नदी यहां से आती है और उसके चारों साइड जहां भी उसका जो सहायक नदी बोल रहे हैं उससे नदियां निकलती है वो पूरा मिला के तंत्र जो होता है नदी तंत्र वो क्या होता है अमेजन बेसिन बनाता है तो अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार भेनी योग है इसे कासवा भी कहते हैं या आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है यहाँ के कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं मकोला मकोला वाले लोग कहाँ रहते हैं तो दक्षिण अमेरिका में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है अमेजन बेसिन पर परजीवी पौधे बेमिलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पतियों में जल को संचित करता है और मेढक उसका प्रयोग अंडा देने के लिए करता है टूकन अमेजन बेसिन पर पाया जाने वाला पक्षी है पक्षी का नाम क्या है टूकन टूकन कहाँ पाया जाता है तो यह पाया जाता है अमेजन बेसिन मतलब साउथ अमेरिका में साउथ अमेरिका अब यहां पे और कुछ फैक्ट दिया गया पहले यहां पे समझो हमने पढ़ा था ऊपर कि ये जो साइड में आपका ये जो दिख रहा होगा ना ये क्या है चाइल्ड कंट्री है चाइल्ड है यहीं पे एंडीज पर्वतमाला जो है यहीं पे एग्जिस्ट करता है और यहीं पे दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ओके okay? तो यहां हम पढ़ेंगे बेनेजुएला के कैरो बेनेज्वेला की राजधानी है कैरो तो कैरो यहां पे एक नदी भी है जो कि एरिनिको नदी की सहायक नदी है पर स्थित एंजिल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना है पढ़े होंगे एंजिल झरना या एंजिल जलप्रपात जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है जिसकी ऊंचाई नौ मीटर है ये आपको दिख रहा होगा ये वही फिगर है यह गोयना पठार पर स्थित है, कहाँ स्थित है गोयना पठार पर स्थित है दक्षिण अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना सीमा पर ये जो चिली आपको यहां पे दिख रहा है ये चिली और इसे तो अर्जेंटीना है यह वो चिली तो चिली अर्जेंटीना पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो ओजेस डेल सलाडो ओजेस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि ओजेस डेल्सलाडो कहाँ स्थित है या फिर दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है ये किस देश में है किस पर्वत पे है आप अच्छे से टिक कर पाओगे फिर से रिपीट कर देता हूँ सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है ओजेस डेल्सलाडो ये कहाँ पे है चाइल्ड और बॉर्डर पर पड़ता है पर्वत कौन सा है एंडीज पर्वतमाला है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा है आगे दिया गया है दक्षिण अमेरिका के वर्षावन का स्थानीय नाम सेलवास है बरसा वन जो है उसका नाम क्या है सिलवास है दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोनी के वनों में वासला नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है सबसे हल्का लकड़ी कौन सा है वासला जो आपको कहाँ मिलेगा अमेजन फॉरेस्ट में ही मिलेगा एंडिस पर्वत के पूर्वी ढलानों में बनों को मोंगोटा कहते हैं एंडीज पर्वत का जो पूर्वी ढलान है उसके बनों को हम क्या कहते हैं मंगोटा कहते हैं पूर्वी ढलान का मतलब हुआ कि इस साइड जो ढलान है ना इस साइड मतलब इस साइड से जो ढलान है यहां पे, उसको हम क्या कहते हैं मंगोटा कहते हैं अगले स्लाइड पे चलते हैं देखो मेरे भाई पढ़ने में अगर अच्छा लग रहा हो सेशन समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना और लाइक और शेयर तो मेरे पे कर ही देना आगे यहाँ पे दिया गया पक्षी के बारे में तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला केंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है ये जो आप देख रहे हो केंडोर पक्षी बहुत बचपन में अगर आप छोटे छोटे जीके पढ़े हो तो इसको सहदुल कहा जाता था पर इसका आप नया नाम आप लोग पढ़ लो कैंडोर कैंडोर देख लो आप यहाँ पे लोमड़ी का शिकार कर रहे हैं कैंडोर याद रखना कैंडोर पक्षी कहां पाया जाता है तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है साथ ही यहाँ पे रिहा मतलब स्पेलिंग तो आर एच ए होता है रिहा रिहा एक उड़ना सकने वाला पक्षी है जैसा अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में आपको सूत्रमुर्ग मिलता है वैसे ही यहां पे एक पक्षी है रिहा जो उड़ नहीं पाता है लेकिन यह प्यूमा और जेगुआर दक्षिण अमेरिका का शिकारी जानवर है यह बंदर और पैरों पर पे रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार कर लेते हैं ये यहाँ पे फोटो जो है वो रिया का दिखने है दिखने में आपको शुतर की तरह लिख रहा होगा पर शुत्रुड़ का जो ये होता है नहीं नीचे लंबा होता है उसका फेस भी थोड़ा अलग टाइप का होता है मतलब फेस में जानता नहीं हो पर अलग टाइप का होता है वो आगे कुछ अन इफेक्ट दिया गया दक्षिण अमेरिका के बारे में तो हम फास्ट में इसको पढ़ेंगे आप लोग आसानी से समझ जाओगे और इसको याद भी करने का कोशिश कर दूँ ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा पर पहले पूरा हम कॉन्टिनेंट कंप्लीट कर लेते हैं पूरा कॉन्टिनेंट आपका 150 पेज में है पूरा आपको मिल जाएगा ठीक ना तो पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसको यहां पर दिया गया है एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है जो बोझ ढोने के काम आता है एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है जो बोझ ढोने में काम आता है जैसे कि गधा हम लोग के यहाँ होता है ना वैसे ही होता है ग्वानको एक प्रकार का जंगली लामा है जो पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है पेजेंडा ब्राजील रबर के पेड़ का मुख्य स्थान है पेजेंडा इस महादेश के बोलोबिया राज्य की राजधानी लपाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सा है लपाज है जो बोलिविया की राजधानी है इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियोडी जेनरो है जहां पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उन्नीस में याद होगा जब से हम लोग पांच जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं दक्षिण अमेरिका के गोयना ब्राजील और पेंटागोना का पठार है यहाँ पे तीन पठार है दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है पंपास कहा के घास के मैदान को कहते हैं दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है पंपास क्षेत्र में पोषण तत्वों से भरपूर अल्फा अल्फा नामक घास उगाई जाती है दक्षिण अमेरिका के वनों से रबर सिनकोना चंदन कार्नोवा आदि वस्तुएं प्राप्त होती है ब्राज़ील रबर के पेड़ का मूल स्थान है ब्राज़ील रबर के पेड़ का मूल स्थान है दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूर्जमुख के बीज उत्पादित करता है दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना जो है वो सबसे अधिक सूर्जमुखी का बीज उत्पादन करता है याद रखिएगा ये वर्ल्ड का नहीं है वर्ल्ड में इसका स्थान दूसरा है ठीक ना यहां पे है गेहूं के चंद्राकार पेटी भी अर्जेंटीना में स्थित है बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाएगा कि गेहूं की चंद्राकार पेटी आपको कहाँ देखने को मिलेगा तो अर्जेंटीना में अर्जेंटीना में दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक गेहूं में इसका दूसरा स्थान है मतलब विश्व में अगर बात करें तो दूसरा स्थान है दक्षिण अमेरिका में ब्राजील का पहला स्थान है विश्व में पहला स्थान पर चीन आता है दक्षिण अमेरिका का ब्राजील विश्व की सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश है विश्व में सबसे अधिक कॉफी कौन उत्पादन करता है तो ब्राजील ब्राजील की राजधानी याद होना चाहिए ब्राजील के कहवा के बागों में, फे, ब्राजील में ब्राजील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश है दुनिया में पहले स्थान पर आता है यूएसए ठीक ना और इसका स्थान दूसरा होता है दक्षिण अमेरिका के ब्राजील सर्वाधिक मैगनीज उत्पादन करने वाला देश है चिली का चुकी का माता तांबा खान दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर है इसे विश्व के तांबा की राजधानी कहा जाता है किसको तो चूकी का माता तांबा खान है दक्षिण अमेरिका में उसको जो कि एंडीज पर्वत माला पर है एंडीज जैद एंडीज कहाँ पे है तो चैल में है और ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है ब्राज़ील की अमापा खान संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है मापाका खान ये कहां पे है ब्राज़ील ईटावीरा ब्राजील का प्रमुख लोह अयस्क खनन केंद्र है ईटा दक्षिण अमेरिका की सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश अर्जेंटीना है सर्वाधिक कहवा के लिए ब्राजील तेल उत्पादन के लिए बेनेजुएला और कोलंबिया तथा सर्वाधिक उत्पादन देश चिली है तांबा के लिए चिली दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है जिसकी राजधानी लीमा है विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है अर्जेंटीना एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है एकांगुआ एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है की सबसे लंबी पर्वतमाला यह लगभग बहत्तर किलोमीटर लंबा है बहत्तर किलोमीटर एंडीज के उत्तर पश्चिम में आटा कामा डिजार्ट है आटा कामा डिजार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जाएगा आटा कामा डिजार्ट कहां पे है तो यह है मतलब तो दक्षिण अमेरिका में और यह एंडीज पे है मतलब क्या हो जाएगा चैल के आसपास है एंडीज पर्वतमाला पर एटा कामा डिजार्ट जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा डिजार्ट है उत्तरी चिली पर स्थित अड़िका विश्व का सबसे, सुकस्तम। सुकस्तम मतलब वो गया सबसे गर्म ठीक ना कौन सा है उसको बंदरगाह का? अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चेका का मैदान है चेका का मैदान दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहां जाड़ो में वर्षा होती है वह क्या है मध्य चिली अगर पूछ दे इंडिया में कहा होता है इंडिया का तमिलनाडु जो है वहां ठंडी में भी यानी जाड़े में भी वर्षा होती है और दुनिया में तो मध्य चिली है दक्षिणी अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेटागोनिया है पेटागोनिया ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है उड़ुगे उड़ुगे बोलिविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल देश है सबसे बड़ा मरुस्थल देश है बोलिविया दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद को ग्वानो कहते हैं ग्वानो जो फास्फोरस से समृद्ध होता है फास्फोरस से समृद्ध होता है तो ये आपका दक्षिण अमेरिका जो था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और जो आपने पूरा देखा होगा तो आपको दक्षिण अमेरिका से जो भी प्रश्न आएगा ओवरऑल उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी साथ ही अगर चाहते हैं कुछ वीडियो में इम्प्रूवमेंट किया जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही शेयर जरूर करना और लाइक तो आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही दियोगे तो चलो वीडियो को एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं टायरलेस कुमार और आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अभी कॉन्टिनेंट का तो आज हमारा चलेगा ऑस्ट्रेलिया जिसमें हम मैप प्रैक्टिस होता है जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा मतलब ओवरऑल पूरी जानकारी हम इसमें लेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में वीडियो को ध्यान से देखिएगा काफ़ी अच्छे से मैं इसको कवर करूँगा अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें और इंडिया के प्रपेक्ष में बात करें तो ये आपको मिलेगा पहले देख लेते हैं कि ऊपर में क्या होता है नॉर्थ होता है नीचे में क्या होता है साउथ इस सेड हो गया ईस्ट और इधर तो वेस्ट होगा तो ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया से किधर हो गया ईस्ट साउथ में हो गया यानी पूरब और दक्षिण में हुआ दक्षिण पूरब कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया भारत से दक्षिण पूर्व में स्थित है एक तो ये हो गया और ऊपर हमने पढ़ लिया है कि एशिया है यूरोप है ये हुआ अफ्रीका ये हुआ नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के आसपास कौन सा कॉन्टिनेंट है तो इस साइड आपको मिलेगा इंडियन ओशियन यहाँ पे क्या है इंडियन ओशियन यहाँ पे वही इंडियन ओशियन यहाँ भी पड़ता है इस साइड भी इस साइड जो आपका है वो है पेसिफिक ओशियन साउथ पेसिफिक ओशियन ओके इस साइड भी ओशियन ही मिलता है मतलब अगर हम बीच से इसको डिवाइड कर दें तो इस साइड पैसिफिक ओशियन है और इस साइड क्या है इंडियन ओशियन मतलब आप ओवरऑल कह सकते हो कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ ऑस्ट्रेलिया है ये क्लियर हुआ एक चीज और यहाँ अगर हम इस लाइन को थोड़ा कलर चेंज कर लें ये लाइन जो है ये है आपका इक्वेटर जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा ओके जो कि अफ्रीका से होकर गुजरता है और एशिया के कुछ पार्ट से भी होकर गुजर जाता है ये सब सारा जो है ना मंगोलिया ये सब मलेशिया ये सब सारा एशिया में ही आता है ये जो लाइन आपको दिख रहा होगा साढ़े तेईस डिग्री पे साढ़े तेईस डिग्री साउथ में मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कॉपिकॉर्ड ये जो है ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरता है तो प्रश्न अगर आपसे ये आ जाए कि कौन सा इमेजनरी लाइन जो ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए मकर रेखा कौन सा आंसर होगा मकर रेखा याद रखना जो कि ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरता है मैप आई थिंक आपका लोकेशन पता चल गया होगा ऑस्ट्रेलिया का कहाँ पे है ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा ये है ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है न्यूजीलैंड हालांकि अब इसको मिला के न्यू लैंडिया करके एक नया कॉन्टिनेंट बनाने की बात की जा रही है अगर आपसे प्रश्न ये आ जाए कि सातवां कॉन्टिनेंट कौन सा है तो न्यू लैंडिया पर आपको टिक करना होगा लेकिन अभी तक जो कोई बुक में आपको ऐसा नहीं मिलेगा और अभी तक कोई क्वेश्चन में भी नहीं पूछा गया है इसके बारे में एक्स्ट्रा ओके तो आपको बस इसका नाम याद रखना है हालाँकि अभी तक इसको हम ऑस्ट्रेलिया में ही पढ़ेंगे न्यूजीलैंड को जिसकी राजधानी कहाँ पे है विलिंगटन है और अधिक जानकारी देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो यहां पे आपको मेनली तीन ही कंट्री मिलेगा अगर प्रश्न ये आ जाए कि हाउ मेनी कंट्री इन ऑस्ट्रेलिया तो आपको थ्री मिलेगा अगर हम किसी किसी बुक की बात करें तो कहीं कहीं पे ट्वेंटी टू भी कंट्री है जैसे आप लुसेंट की बात करो तो वहाँ पे बेस्ट कंट्री दिया गया है ये क्रॉन में तेरह कंट्री दिया गया अलग अलग है लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करते हो ना तो आपको तीन कंट्री ही मिलेगा एग्जाम में आपको तीन पे हेटिक करना है ओके अगर आप देखो यहाँ पर तो अधिक पार्ट जो है ना यहाँ तक जो ये पूरा है ना वो ऑस्ट्रेलिया ही है जैसे कि यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ये नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया ये साउथर्न ऑस्ट्रेलिया तो ये सारा क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया यहाँ पर है जो क्विंस आइलैंड है स्टेट है एक क्विंस आइलैंड यहाँ पे वेल्स है न्यू साउथ वेल्स यहाँ पे अभी तक इंग्लैंड का ही चलता है और साथ ही एक चीज और इंटरेस्टिंग है जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रिटेन की महारानी कौन है और साथ ही अगर पूछ दे ऑस्ट्रेलिया की महारानी कौन है तो जो ब्रिटेन की महारानी होगी ना एलिजाबेथ तृतीय वही क्या है ऑस्ट्रेलिया की भी महारानी होगी अभी तक ये लोग जैसे हमारा भी देश गुलाम था ऑस्ट्रेलिया भी गुलाम था तो हम लोग जब इंडिपेंडेंट हुए तो हम लोगों ने पूरी तरह से कनेक्शन हटा लिया लेकिन अभी भी अगर ऑस्ट्रेलिया की महारानी आपसे पूछा जाएगा तो ब्रिटेन की महारानी जो होगी वही आपको बताना होगा ओके तो यहाँ पर अभी हम क्या कहने वाले थे कि ये टोटल यहाँ पे ये कौन सा हो गया ग्रीन लैंड हो गया यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स हो गया और यहाँ पे जो है विक्टोरिया है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको मिलेगी केनवारा और इसका एक सिडनी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है सिडनी जहाँ पे आप क्रिकेट देखते हो गए मेलवर्न यहाँ पे है और एक जो गोल्ड कोस्टा है वो भी आपको साइड में कहीं पे मिलेगा गोल्ड कोस्टा तो ये सब इंपॉर्टेंट है जो कि कहाँ पे आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेगा और पेरा हॉस भी आपको ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेगा और इस साइड में जो है ना नीचे यहाँ पे न्यूजीलैंड है अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में फैक्ट जानते हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया एक ही जगह पे है यह मकर रेखा पे है अभी हमने पढ़ा था यह सबसे छोटा महाद्वीप है याद रखिएगा न्यूजीलैंड यह सबसे छोटा होगा पर अभी तक इसी को पढ़ना है हमको ऑस्ट्रेलिया को ही जो कि कहाँ पे है दक्षिणी गोलार्ध में ये तो मैं बताना भूल ही गया देखो यह है भूमध्य रेखा ठीक ना भूमध्य रेखा इसके ऊपर जो हो गया ना वो हो गया नॉर्थ हेमोस्फियर और नीचे हो गया साउथ एमेस्फियर मतलब ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध तो ये किस में आ गया दक्षिण में आ गया यानी ये क्या हो गया दक्षिणी गोलार्ध इसे द्वीपीय द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि एक द्वीप जैसा ही है और बहुत सारा द्वीप इसे मिला हुआ है न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया का खोज जो है ओबेल तस्मान ने किया था सोलह में याद रखना पर उससे अधिक इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा कैप्टन कुक का क्योंकि प्रश्न में जब से पूछा जाएगा ना ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया तो कैप्टन कुक पे टिक करना पड़ता है जो कि सत्रह सो नवासी ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था सॉरी अड़सठ में पहुंचा था और सेवेंटी नाइन तक उसने तीन बार ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया तो ऑस्ट्रेलिया का खोज कब हुआ सत्रह में किया किसने किया कैप्टन कुक ने किया जो कि इंग्लैंड का निवासी था और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दोनों का, का इसी ने किया ठीक ना तो इसे ही ऑस्ट्रेलिया का खोज करता जाना जाता है रिपीट कर लो कौन है कैप्टन कुक इस महाद्वीप में तीन देश हैं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोर्जी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोर्जी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया और न्यू गेनी के बीच टरिस जलसंधि है न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है वो टेरिस जल संधि है अच्छा जल संधि और एक होता है नहर मतलब जैसे आप स्वेज नहर देखते होंगे और यह है जल संधि तो जल संधि क्या होता है नेचुरल होता है और जो नहर होता है वो मेनमेड होता है ठीक है ना ऊपर भी हम जिक्र कर चुके हैं इस बारे में ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज याद रखना प्रमुख पर्वत श्रेणी है अगर वहीं पूछते सबसे हाइस्ट पिक कौन सा है तो आपका आंसर होगा क्यूज रको सॉरी कोश्यूरको क्व्यूरको यह सर्वोच्च उच्च चोटी है जबकि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है यहाँ का माउंटेन रेंज है सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया का विश्व विख्यात सोने का खान जो है कालगुरली और कुल गार्डी है कालगुरली और कुल गार्डी ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादन है साथ ही ऑस्ट्रेलिया उनके लिए काफी फेमस भी है यह विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश है दूसरे स्थान पर बात करें तो वह है साउथ अफ्रीका जिसकी राजधानी है कैपटाउन अब परवाल भित्ती दुनिया का सबसे बड़ा पड़वाल भित्ति जो है ग्रेट वैरियर रीफ वो मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया में ओके कौन कहाँ पर तो क्विंसलैंड जो अभी मैंने आपको दिखाया था यह है क्विंसलैंड इसके साइड में मिलेगा आपको पड़वाल ये मैंने जो ये सब है ना इस पे होता है परवाल भित्ती समुद्री साइड में होता है तो ये आपको दिखने में कुछ इस प्रकार से लगेगा तो ये किसका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और सबसे बड़ा कौन सा ग्रेट बैरियर रीफ डायरेक्ट प्रश्न आएगा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है तो वो है ऑस्ट्रेलिया में ओके क्विंसलैंड पे है यह पड़वाल भित्ति का निर्माण जो होता है छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों क्रेल जो होता है उसके के कारण हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारु कहते हैं यानी भेड़ पालन जो करेगा मजदूर उसे कहते हैं हम जेकारु ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कंटिनेंटल रेल मार्ग है ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेन रेल मार्ग है जो पर्थ से लेकर सिडनी के मध्य चलता है याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया का है दुनिया का पूछे तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो कि रसिया में चलता है ठीक ना यूरोप से एशिया तक जाता है मरे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है प्रश्न आएगा मरे डार्लिंग की घाटी कहां पे है तो ऑस्ट्रेलिया में और ये क्या है कृषि क्षेत्र है यह उपजाऊ भूमि को यहाँ पे क्या कहा जाता है रेविनीना कहा जाता है रेवीरिना कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में गहरे कूदे मतलब कुएं खोदे गए ताकि वहाँ पे पानी क्या हो स्टोर हो पाए इनमें अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता है ये उत्सुत कूप यानी आर्टिशियन भी कहलाता है ये कहाँ आपको मिलेगा इस ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेगा इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहलाता है ग्रेट आर्टिजन बेसिन क्या कहलाता है जहाँ पे आपको नल मिलेगा या सॉरी कूप मिलेगा उसे ही कहा जाता है ग्रेट बेसिन यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया विश्व में तीसरे स्थान पे वेरी वेरी अभी आपसे एक प्रश्न होगा कि यूरेनियम में सबसे अग्रणी देश कौन सा है क्योंकि ऊपर हम सब पढ़ चुके हैं तो आपको बताना पड़ेगा आप ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइड उत्खनित करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे जो अधिक है बॉक्साइड उत्सर्जित करता है जस्ता अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र की प्रख्यात मूंगा का चट्टान जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो यहीं स्थित है पढ़े थे, थे। क्विंसिलैंड पर अभी ऊपर ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनित करने वाला देश है इस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल जो है वो गीसन और वक्टोरिया है गीसन और वैक्टेरिया ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश न्यू साउथ वेल्स और वैक्टेरिया है जो कि हम इस साइड में पढ़े थे यानी वो ईस्ट में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस लैंड ऑफ कंगारू प्यासी भूमि का देश कहा जाता है क्योंकि बारिश कम होता है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है न्यूजीलैंड ये प्रश्न कम्युनिटी पे डाल देंगे आप लोग आंसर करना है इसका न्यूजीलैंड में एमू और कोकावर्रा नामक पक्षी पाया जाता है न्यूजीलैंड में एमू और कोकावर्रा नामक पक्षी पाया जाता है एमू की टांगे लंबी होती है जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एमू का जो टांग होता है वो क्या होता है लंबा होता है इसे पंख नहीं होता और इस कारण से ये काफी तेज दौड़ता है लेकिन ये उड़ नहीं सकता कोकाबारा को लाफिंग जैकास भी कहते हैं पेनेटिपस ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु है जो दौड़ता तो है जमीन में सुरंग बनाता है और पानी में तैरता है चार पैरों वाला जीव यह अंडा भी देता है पेनेटिपस नकल करने की शुरुआत पक्षी लायर ऑस्ट्रेलिया में पाए है नाम इसका लायर है जो कि नकल उतारता है या दूसरे पक्षियों के गाने कुत्ते के भौंकने और गुजराती आ, हुई कारों के हॉर्न की आवाज़ निकाल देते देखो अभी आप लोग यूट्यूब पे या फिर हो सकता है फेसबुक पे एक वीडियो देखे होंगे गए कि एक पैरोड की जैसे दिखता है और वो कुत्ते की आवाज़ भाव करता है और लिखा हुआ है कि संगत से गुनाता है तो वही पक्षी है वो जो लायर बर्ड है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है वो किसी का भी आवाज़ निकाल सकता है अब न्यूजीलैंड के बारे में दिया गया कि न्यूजीलैंड दोनों प्रमुख द्वीप कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग है कुक जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया को सॉरी न्यूजीलैंड का ही दो पार्ट है उसको अलग करता है ठीक है ना न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी जो है माउंट कुक है क्योंकि उसका जो खोज करता था ना कुक उसी के नाम पे उस माउंटेन का नाम रखा गया है यहाँ के मूल निवासी माओड़ी कुक शिखर को ओरंगो कहते हैं कीवी यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है की ये हुआ इसका राष्ट्रीय पक्षी की है और वहां का जो खेल का घास का मैदान है उसको वेल्ड कहा जाता है तो यह भी आपका या, थोड़ा याद रखना तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में सारी जानकारी आपको मिल गई आगे जो हमारा है अंटार्कटिक है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे फिर आपका जो है पूरा कॉन्टिनेट कंप्लीट हो जाएगा ओके फिर इसका मास्टर वीडियो आ जाएगा तो उसको भी देख लेना तो यह हम सेशन को एंड करते हैं सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना पसंद नहीं आया हो तब तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो पर कारण जरूर बताना ताकि हम वीडियो को आगे उसको सुधार कर पाए ठीक ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद आज हम विश्व के पाँचवें सबसे बड़े महाद्वीप अंटार्कटिक के बारे में पढ़ेंगे इससे पहले हमने पूरा जो भी कॉन्टिनेंट है सबके बारे में पढ़ लिया है सिवाय न्यूलैंडिया के बारे में क्योंकि उसके बारे में अधिक जानकारी अभी है नहीं तो अंटार्कटिक के बारे में पढ़ेंगे साथ ही आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो कॉन्टिनेंट सीरीज है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा इसमें हम पूरा मैप का जो भी डाटा है जो भी फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सब कुछ को देखते हुए पढ़ेंगे अगर आप वर्ल्ड मैप देखो और यहाँ पे आपका अपना एशिया दिख रहा है जिसमें प्यारा भारत इंडिया यहां पे है तो उससे आपको आना पड़ेगा पूरी तरह से साउथ यहाँ पे साउथ नीचे क्योंकि अंटार्कटिका जो है वो क्या है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है बहुत बार जिक्र कर चुके हैं कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये क्या होता है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर इक्वेटर के ऊपर होगा तो नॉर्थ हेमीस्फेयर नीचे होगा तो साउथ से यानी भूमध्य रेखा सॉरी ये हुआ उत्तरी तो अक्षांश और इधर क्या हुआ दक्षिणी अक्षांश कहते हैं इसको तो इसी के बारे में आज हम डीपली पढ़ेंगे आप देख रहे हैं टायरलेस कुमार अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम ऐसे ही आपको काफी अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाते रहे अंटार्कटिका की बात करें में तो सबसे पहला बात यही है कि ये विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है सबसे बड़े नंबर पर कौन था एशिया था यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है ये मैंने जिक्र कर दिया आप लोगों ने देख भी लिया काफ़ी अच्छे से कि यह कहाँ स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है अच्छा अभी चलो मैं इसको स्किप करता हूँ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो उत्तरी अमेरिका में है और कौन सा दक्षिणी अमेरिका में है अब आप बोलोगे कि अफ्रीका सर किस में रखे तो देखो जिसका अधिक पार्ट नॉर्थ में है आप कह कि ये नॉर्थ में है ओके आप सही से बताना या और अधिक जानकारी आप दे सको तो कमेंट बॉक्स में देना जो सबसे अच्छे से देगा उसका मैं कमेंट पिन अप कर दूंगा ओके यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है क्योंकि यहाँ पे जो है ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर पाता है तो ह्यूमन बीइंग सर्वाइव अगर मानव जाति सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे वो कूड़ा कचरा उत्खनन जो होता है ना जो धरती के नीचे से हम कोयला निकाल लेते हैं पेट्रोलियम निकाल लेते हैं तो वो वहाँ पर नहीं निकाल पाता जिसके कारण से जिस टाइम में हमारा धरती जैसा था वहाँ पर अब वो उसी फॉर्म में है मतलब देखो हाँ इंडिया में या कहीं पे भी इससे पहले राजा हुआ करते थे कोई राजा निकाल लिया होगा या कोई निकाल लिया होगा ऐसे करके ओवरऑल धरती पे ऐसा हाल हो गया है कि अब किसी भी जगह का ऐसा नहीं कह सकते कि ये अछूता पार्ट है लेकिन वही अंटार्कटिका जो है अछूता पार्ट है उस पर स्टडी करने से पृथ्वी के संरचना के बारे में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पृथ्वी आगे कैसा ट्रांसफॉर्म होगा उस सब के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो पाता है तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है वैज्ञानिकों का अड्डा भी कहा जाता है इसीलिए इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बच्चे इसमें ये अमेरिका वाला नॉर्थ अमेरिका पे टिक कर देते हैं क्योंकि वहाँ अधिक वैज्ञानिक है नहीं सबसे अधिक जो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप होगा वो कौन सा हो जाएगा अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर इस महाद्वीप का केंद्र स्थित है ओके यहाँ पे अगर आप मैप देखो तो पूरे ऊपर से लिया गया ये आपको साउथ पोल दिख रहा है मतलब इस धरती को जो मैंने पलट दिया है ठीक ना काफ़ी एनर्जी लगाया बूस्टर पिया और मैंने धरती को पलट दिया और धरती कुछ इस प्रकार हो गया यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है अंटार्कटिका दिख रहा है ओके अंटार्कटिका की भूमि तीन महासागर जैसे कि हिंद महासागर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी हुई है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अंटार्कटिका इसमें आपको यहाँ पे दिखेगा एटलांटिक ओशियन अटलांटिक महासागर यहाँ पे दिखेगा पेसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर और यहाँ पे है इंडियन ओशियन तो जाहिर सी बात है इस साइड में अपना प्यारा भारत इंडिया होगा साउथ पेसिफिक की बात करें तो इस साइड आपको चाइना देखने को मिल जाएगा ठीक ना और इस साइड में यूएसए देखने को मिलेगा तो अलग अलग पार्ट है ये मतलब नॉर्थ अमेरिका जो है वो है इन महासागरों के दक्षिण छोर पर दक्षिणी महासागर यानी अटलांटिक महासागर है तो इसका उत्तर दक्षिण आप यहाँ पे देख ही रहे हो वेडेल सागर और राज सागर अंटार्कटिक महासागर का ही भाग है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अंटार्कटिक महासागर में कौन सी सागर है कौन सा लेक है वहां पे तो वेडेल सागर और रॉस सागर वेडेल सागर और रॉस सागर कहां मिलेगा आपको तो अंटार्कटिक महासागर में मिलेगा और इसका तापमान जो है चार डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है यहाँ पे समर के टाइम में गर्मी के टाइम में होता है ये टेम्परेचर चार डिग्री सेल्सियस नहीं तो जीरो डिग्री और उससे कम टेम्परेचर होता है साथ ही जब आप अंटार्कटिक के बारे में पढ़ोगे तो जो उनके खोज करता है उनका नाम क्या था जेम्स कुक जेम्स कुक याद रखिएगा एक कुक हम पढ़े थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का खोज किया था क्या कि आप उसका नाम बता पाइएगा कौन थे वो तो नाम बताना है ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता का ओके तो जेम्स कुक ने क्या किया था सबसे पहले इस महाद्वीप को खोजने का प्रयास किया था पर ये इस मेन भूमि तक नहीं पहुंच पाया था ओके इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय जो है फेवियन वेलिस सोसेन को जाता है फेवियल वेलिंग सोसेन पर आपको नाम दोनों याद रखना पड़ेगा कि जेम्स कुक ने पहले इसको खोजने के लिए निकला जैसे हम लोग पढ़ते हैं कोलंबस भारत की खोज में निकला पर वो अमेरिका पहुंच गया और वास्को वास्कोडिगामा इंडिया पहुंच गया तो वैसे भी आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा जो कुक जो था वो कुकिंग करते रह गया और रास्ता भटक गया वो चला गया अंटार्कटिका से दूर ठीक ना चला गया ऑस्ट्रेलिया और अंटार्क्टिका कौन पहुँच गया वेलिंग सोरेन इसने अठारह सौ बीस में वस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर मुख्य भूमि तक पहुँचा अंटार्कटिका का अंठानवे प्रतिशत भाग हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है आसानी से आपको अगर बर्फ खाना हो तो वहां जा सकते हो पूर्णतः हिमाचादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि ब्लैक कॉन्टिनेंट यानी काला महाद्वीप किसे कहा जाता था तो अफ्रीका को कहा जाता था वैसे अगर आपसे पूछे श्वेत यानी व्हाइट ये कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए अंटार्कटिक होना चाहिए दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एडमंडसन थे बहुत इंपॉर्टेंट ये। बहुत पार मतलब जितना बोलो कम है ये प्रश्न याद कर लो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्वे का निवासी था एमेंडसन 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 मतलब किसी का बेटा था इसलिए सन लगा है एमेंडसन वो पहुंचा था दक्षिणी ध्रुव पे कब पहुंचा था 1911 सौ ईस्वी में जिस वर्ष हम लोग बंगाल विभाजन जो 1905 में पाँच उसको रद्द कर रहे थे उसी टाइम वो कहाँ पहुंच गया था अंटार्क्टिका के साउथ पोल पर पहुंच गया था क्या नाम था उसका एडमंड सन आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक माउंट एल्बुरस जो है यहाँ की सबसे क्वीन मोड पर्वत श्रेणी क्वीन मोड पर्वत श्रेणी शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है तो ये हो जाता है आपका अंटार्कटिक महाद्वीप क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस पर्वत श्रेणी को दो भाग में बांटती है ये जो आपको ये दिख रहा होगा ये क्या है क्वीन पर्वत श्रेणी क्वीन पर्वत श्रेणी ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है एक वेस्ट और एक ईस्ट डिवाइड करता है यहाँ की सर्वोच्च चोटी जो है वो विंसन मासिफ है विंसन मासिफ इसी पर्वत पे है विंसन मासिफ जो कि इक्यावन सौ चालीस मीटर है अगर हम तुलना करें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से तो वो काफ़ी छोटी है मतलब ठीक ना करीब साढ़े तीन किलोमीटर के आसपास वो छोटा है याद रखना आप कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है विंसन मासीफ और बात करें यहाँ की सक्रिय ज्वालामुखी की तो माउंट एल्ब्रुस को सब जानता है देखना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एशिया के पास एशिया जो है वहाँ पर एकमात्र मतलब मेन सॉरी इंडिया इंडिया के मेन भूमि पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है बैरन जो है वहाँ पर मिलेगा आपको अंडमान निकोबार में और साथ ही ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिस पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है लेकिन ये ज्वालामुखी मतलब ये जो कॉन्टिनेंट है ना काफ़ी ठंडा है बर्फ है फिर भी वहाँ पे एक ज्वालामुखी है और ये क्या है माउंट एल्ब्रुस बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही क्या ये एक्टिव हॉल्केनो है एक्टिव हॉल्केनो होता है जहाँ से हमेशा मतलब वो लावा निकलते रहे वो होता है सक्रिय एक्टिव हॉल्केनो तो माउंट एल्ब्रुस जो है किस टाइप का ज्वालामुखी है तो वो तो एक्टिव वॉल्केनो है और साथ ही वो अंटार्कटिक में है विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिक के बोस्टॉक के मतलब बोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया था माइनस नाइन पॉइंट टू डिग्री सेल्सियस मतलब धरती का सबसे कम टेम्परेचर अगर कहीं आपको मिलेगा तो वो है ऑस्ट सॉरी अंटार्कटिक के बोस्टॉक में जिसका माइनस नवासी दशमलव दो डिग्री टेम्परेचर है अगर सबसे मैक्सिमम तो कहीं कहीं जो है ना मतलब एक प्रश्न और आता है कि जहाँ पे लोग निवास करते हैं लोग निवास स्थान और वहाँ सबसे कम टेम्परेचर किसका है तो आपका आंसर होता है बर्खो यांश जो कि रसिया में है वहाँ पे 68 डिग्री टेम्परेचर माइनस में मेजर किया गया था ठीक है ना यह है बर्खो यांश रसिया का और यहाँ पे अंटार्कटिका दुनिया का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लोग निवास नहीं करते हैं ओके तो प्रश्न ध्यान से देखिएगा और तब टिक कीजिएगा बर्खो मिलेगा आपको एशिया के कहाँ पर रसिया में ओके अंटार्कटिक में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है यही है वो लाइकेन और मॉस जिसको हम लोग कहते हैं कि मतलब पर्यावरण का एक अच्छा सूचक होता है वो तो सूर्य के उत्तरायन के बाद अंटार्कटिक के छह महीने तक रात होती है आप लोग सुनते होंगे कि धुर पर छह महीने का दिन और छह महीने का रात होता है तो जब सूर्य का उत्तरायण होता है उत्तरायण कब होता है देखो गर्मी और ठंडी आप लोग सुन मतलब होता है ना तो आप लोग को लगता ऐसा होगा कि ठंडी के टाइम में जो है ना सूर्य थोड़ा पूरब के साइड अधिक उगता है मतलब छाया जो होता है ना वो थोड़ा क्या होता है छोटा होता है गर्मी के टाइम में वही ठंडी के टाइम में क्या होता है छाया थोड़ा बड़ा होता है तो इस टाइम में क्या होता है ठंडी के टाइम में सूरज थोड़ा क्या होता है उत्तरायण हो जाता है तो यही होता है उत्तरायण के टाइम में यहाँ पे क्या होगा छ महीने का रात होता है जबकि सूरज के दक्षायन के बाद क्या होता है छ महीने का दिन हो जाता है मतलब जब हम यहाँ पे ठंडी हम लोग देखते हैं ना तब वहाँ पे क्या हो जाता है आ, दिन रहता है और गर्मी के टाइम में वहाँ पे क्या हो जाता है रात हो जाता है क्योंकि वो इस प्रकार से झुका हुआ है टिल्ड है ठीक ना ऐसा है अगर लाइकेन व मॉस अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पति है यहाँ की क्रिल मछली झुंड में रहती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रिल मछली जो है ना वहाँ पे बहुत सारे जो पैसे पेनग्विन है उस सबका ये यह खाना यही है क्रिल मछली तो आपको याद रखना पड़ेगा जैसे अंटार्कटिका में तो पेनगुइन को या फिर वहाँ पे और भी ढेर सारा पोलर बीयर होता है ना कि पोलर बीयर जो है है वो नॉर्थ पोल पे होता है, ठीक ना लेकिन यहाँ भी कुछ कुछ होता है तो वो कौन सा भोजन प्राप्त लेता है तो वो करता है क्रिल मछली साथ ही साइंटिस्ट रहते हैं वो भी इसका भोजन स्वरूप में लेते हैं अब अंटार्कटिका में भारत का क्या रिलेशन है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे तो जब भी अंटार्कटिक और भारत पढ़ेंगे तब आपको नाम भी याद रखना पड़ेगा डॉक्टर गिरिराज सिरोही का डॉक्टर प्रश्न ऐसे आ जाएगा डॉक्टर गिरिराज सिरोही का संबंध किससे है परमाणु वैज्ञानिक से ऐसे ऐसे दे देगा याद रखिएगा वो दक्षिणी ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे ये उत्तर प्रदेश की बुंदेल शहर से थे बु, सॉरी बुलंद शहर से थे ठीक ना डॉक्टर गिरिराज सिरोही नाम याद रखिएगा भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान जो है उन्नीस सौ में प्रारंभ किया था भारत ने अंटार्कटिक अभियान कब प्रारंभ किया 1981-82 से प्रारंभ किया साथ ही भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान की बात करें तो डॉक्टर सईद जूहर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 में शुरू किया गया था तो नाम याद रखिएगा डॉक्टर सईद जहूर कासिम भारत ने अंटार्कटिक में पहला शोध केंद्र जो है वो दक्षिण गंगोत्री स्थापित किया कब स्थापित किया उन्नीस में उन्नीस में बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो यह ज्यादा दक्षिणी गंगोत्री है क्या सैटेलाइट सुपर कंप्यूटर ये सब दे देगा तो ये क्या है अंटार्कटिक में भारत का पहला रिसर्च स्टेशन कब एस्टेब्लिश किया गया था उन्नीस में भारत वहाँ पे उन्नीस में पहुंचा और उन्नीस तक उन्होंने क्या कर दिया दक्षिण गंगोत्री को स्थापित कर दिया हालांकि अब ये क्या है कार्यरत् में केंद्र नहीं है अब वहाँ पे जो है मैत्री स्थापित किया गया है दूसरा भारतीय शोध संस्थान जो है मैत्री उन्नीस में स्थापित किया गया साथ ही लॉर्ड्स मन हिल्स ने भारत में तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय स्थापित किया तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा एक तो क्या दक्षिणी गंगोत्री मैत्री भारती ये भारती का फोटो मैंने लिया हुआ है ठीक ना ये जो है इंडिया का वहाँ पे रिसर्च स्टेशन है वहाँ पे साइंटिस्ट रहते हैं स्टडी करते हैं तो अब कौन सा है भारतीय है और मैत्री वहाँ पे कार्यरत है तो ये था पूरा आपका अंटार्कटिक का मैंने पूरा कवर किया सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आगे और भी इसी प्रकार से कंटिन्यू रख पाए और प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए लाइक कीजिए और पसंद नहीं आया हो तब आप डिसलाइक भी कर सकते हैं पर कारण जरूर बता देना ताकि हम वीडियो को इम्प्रूव कर पाए मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद